Hey guys, hope you are doing well. Before we start our today's topic, I have something for you. If you want guidance for better future, then you should visit Unacademy website and subscribe their class 9th and 10th courses. What is more amazing is you can get extra 10% discount. To avail the 10% discount, use the referral code ENRICH10. Hello guys, welcome to Enrich Minds channel. I am Preksha Jain, back with class 10 science NCERT, and in this video we will be studying chapter 13 magnetic effects of electric current. So इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है. लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है. तो जैसे कि हमने अर्लियर चैप्टर्स कंप्लीट किए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्टिविटी सॉल्यूशंस, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, तो वैसे ही हम इस चैप्टर में भी करेंगे. सो बी पेशेंट, स्टडी प्रॉपरली एंड स्टार्ट दिस चैप्टर. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है. सो हीटिंग इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड अर्लियर क्लासेस में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ा है. बट इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी से, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है. एंड एक और क्या होता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें मैग्नेटिज्म होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी भी वही सेम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है. तो मैग्नेट एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अर्लियर हमने पढ़ी हैं. सो वो आप रिकॉल अगर करोगे तो मैग्नेट क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन या स्टील से बने हुए कुछ मेटेलिक सब्सटेंस है उनको अट्रैक्ट करते हैं. तो ये तो हो जाता है क्या, ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. एंड जो मैग्नेटिक कंसेप्ट है वो कब नोटिस में आया, कि जब सेंटर जो अर्थ का है कोर, वहां पर क्या था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे जो दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे. एंड इससे डिस्कवरी हुई किसकी, नेचुरल मैग्नेटिक की, नेचुरल मैग्नेट की. एंड नेचुरल मैग्नेट को ही ध्यान में रखते हुए डिस्कवर हुआ क्या फिर, आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड जो बार मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं. क्लियर है. चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं. अब मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है. इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में, और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करेंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सो इलेक्ट्रिक करेंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेट की जैसे बिहेव करता है. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रिइंफोर्स दैट. तो ये जो गिवन एक्टिविटी है ये परफॉर्म करते हैं हम देखने के लिए कि कैसे जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है सॉरी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. सो इन दिस 13.1 एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई. सो यहाँ पे 13.1 फिगर में गिवन है अरेंजमेंट कि आपको एक कॉपर वायर लेना है एंड उसको ऐसे यहाँ पर अरेंज, जो एक्स एंड वाई कॉपर वायर है अरेंज करना है दो पॉइंट्स के बीच में. नाउ द वायर एक्स एंड वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड यहाँ जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर कॉपर वायर को लगाना है. हॉरिजॉन्टली प्लेस अ कंपास, स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर सिंस सी द पोजिशन ऑफ इट्स नीडल. एंड देन क्या करना है, कंपास को जब आप प्लेस कर रहे हो तो नीडल की इनिशियल जो नीडल कहाँ पर होगी, कंपास नीडल, वो ऑब्जर्व करना है. देन पास करेंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इन टू द प्लग एंड देन यहाँ पर प्लग की जो है उसको ऑन करने के बाद देखना है कि इस नीडल में क्या चेंजेस आते हैं. ऑब्जर्व द चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द कंपास नीडल एंड ये जो चेंजेस आ रहे हैं वही ऑब्जर्व करना है कि ऑन करने से क्या होगा, करेंट फ्लो होना स्टार्ट होगा एंड ये कंडक्टिंग वायर है कॉपर तो यहाँ से भी करेंट फ्लो होगा. तो ऑब्जर्व क्या करोगे आप, ना जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. सो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी जब कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर हम इसका देखें तो कि क्या हो रहा है ना, कि जब चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड नॉर्मल यूसेज में जो कंपास है वो क्या डिटेक्ट करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करती है. एंड जब इस कंपास को हम एक ऐसे वायर के नियर बाय लेके जाते हैं जो कि करंट कैरिंग है तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. एंड ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से ही कंपास जो है उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है.
So we see that the needle is deflected. What does it mean? Needle deflect. So iska matlab kya hota hai? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Iska matlab kya hua? Ki jo electric current copper wire se flow ho raha hai na, usme magnetic effect produce hua. Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Isliye jo electricity and magnetism hai, wo aapas mein interlinked hai. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving current? तो जो reverse possibility है कि moving magnets हैं वो भी क्या electric effect produce करेंगे? So in this chapter we will study magnetic field and such electromagnetic effect कि magnet के move करने से कैसे electricity produce हो सकती है. We shall also study about electromagnets and electric motors which involve the magnetic effect of electric current and electric generator which involve the electric effect of moving magnet. So, इस चैप्टर के एंड एंड तक हम क्या और पढ़ लेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट क्या होता है. सो दोनों क्या है, रिवर्स है. जस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनते हैं. एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. दैट मीन्स कि मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है. तो फर्दर हम देखते हैं इस चैप्टर में. और फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होते हैं, जो मैग्नेट के अराउंड स्पेस है वहां पर होती है मैग्नेटिक फील्ड. So we are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. So compass needle अगर bar magnet के nearby आती है तो क्या है, deflect हो लगती है. A compass needle is in fact a small bar magnet. And जो compass needle है वो क्या है, small bar magnet है. The ends of the compass needle point approximately towards north and south direction. And जो compass needle है ना वो क्या करता है, north south direction में point करता है. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. And जो point north end के side आके रुकता है वो क्या हो जाता है, north pole. And the other end that points towards the south is called south seeking or south pole. And जो दूसरा point है वो क्या हो जाता है, south pole. Through various activities we have observed that like poles repel while unlike poles of the magnet attract each other. So जैसा कि electric charge में होता है ना, वैसे ही यहाँ पर magnets के cases में भी है कि अगर like poles हैं magnet की, north and north pole है, तो वापस में क्या करेंगी, repel करेंगी. And जबकि जो unlike poles होती है north and south, वो क्या करते हैं, attract करते हैं. Then the question here is, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? तो हमने यहाँ पर देखा कि जब compass needle bar magnet के close जाता है तो उसमें deflections होने लगते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो compass needle क्या है, एक small magnet है. अब जब compass needle क्या है, किसी भी bar magnet के closer जाता है ना, तो magnetic field lines होती हैं compass needle, उनसे interact होते हैं magnetic field lines of bar magnet. तो अब कंपास नीडल में भी स्मॉल मैग्नेट है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. एंड जो बार मैग्नेट है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो दोनों की मैग्नेटिक लाइंस अब आपस में इंटरैक्ट करती हैं. दैट इज वाई जो है कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन है. एंड बार मैग्नेट का जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्जर है, इसलिए उसमें वो फ्लक्चुएशन शो नहीं होता है. बट नीडल क्या है, बहुत लाइट वेटेड एंड बहुत स्मॉल बार मैग्नेट है, इसलिए उसमें जो इफेक्ट है वो क्लियरली शो हो जाता है. क्लियर हुआ ना, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि दोनों ही में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है. एंड दैट इज वाई वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से डिफ्लेक्शन होता है. क्लियर हुआ. देन नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर, उसके बेसिस पर हम आगे का देखेंगे. एक्टिविटी 13.2, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल. प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स uniformly around the bar magnet. A salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? So यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि iron fillings जो है वो एक parabolic pattern में arrange हो जाएंगे, जो कि आप 13.2 figure में देख रहे हो. ऐसा क्यों होगा कि जो bar magnet है ना वो iron particles को attract कर रहा है, but ये जो force of attraction है ना वो अलग अलग place पे अलग होगा. And जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक पोज यहाँ पर ये शेप बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना उनका भी डायरेक्शन यही होता है. दैट इज वाई ये जो डस्ट है, आयरन फिलिंग्स है, वो एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाती है एंड फिक्स्ड पैटर्न बना लेती है. कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो मैग्नेट है ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं सराउंडिंग में, जो कि प्लेस टू प्लेस डिफर करते. दैट मीन्स कि पोल पे क्या है, स्ट्रांग है, बट सेंटर में क्या है, वीक है. सो द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर 12.32.
13.2 यहाँ पर गिवन है, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, तो आयरन फिलिंग क्यों ऐसे पैटर्न में अरेंज होती है, व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट एंड ये पैटर्न क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, सो आंसर इज द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती है जिससे कि आयरन फिलिंग्स एक फोर्स एक्सर्ट एक्सपीरियंस करते हैं एंड उस फोर्स की वजह से ये स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, द फोर्स डज एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसकी ही हेल्प से एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंजमेंट होती है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जब एक कोई रीजन मैग्नेट को सराउंड करता है जिसमें कि क्या है मैग्नेट में क्या होता है फोर्स हो रहा है, फोर्स डिटेक्ट होता है, सो उसमें क्या हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड जिस लाइन में आयरन फिलिंग्स अरेंज हुई है ना वही क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, सो बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फाइंड आउट करने का कोई और स्पेसिफिक वे भी है, यस यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द लाइन फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट, तो हम बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स है उनको स्पेसिफिकली ड्रॉ भी कर सकते हैं, सो वो 13.3 एक्टिविटी में है, क्या करना है कंपास को जो है यू हैव टू मूव अ कंपास ऑन अ मैग्नेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर, दैट मींस कि यहाँ पर जैसे फिगर में गिवन है ना, सो नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हुए आपको कंपास को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में मूव करना है, साउथ पोल तक लेके जाना है, एंड ऐसा नहीं कि आप रैंडमली नॉर्थ से साउथ ले गए, जहाँ पर भी जो कंपास है वो अपनी जहां पर भी कंपास क्या है निडल शो करेगा वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है पॉइंट्स बनाते हुए इस पाथ को कंप्लीट करना है, देन इसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं एंड ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसे परफॉर्म करना है, एट द एंड क्या होगा ना कि जो कंपास नीडल है वो हमेशा ही क्या करेगा वन डायरेक्शन में, दैट मींस कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही मूव करेगा, अगर आप अपने आप से ड्रॉ कर दोगे लाइन तो भी ठीक है, बट जब आप क्या करोगे कंपास का हेल्प लोगे ना तभी भी क्या होगा सेम वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में स्टॉप होगा एंड यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो मैग्नेट में क्या होता है दो ऑपोजिट पोल्स होती हैं एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो कंपास नीडल क्या है वो भी एक स्मॉल बार मैग्नेट है, उसमें भी नॉर्थ पोल भी है एज वेल एज साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट द साउथ पोल ओनली, तो नॉर्थ पोल जो है वो सिर्फ साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगी, दैट इज वाई यहाँ पर जो नॉर्थ की साइड में वो साउथ आ गया, एंड जब हम प्लेस करते हैं यहाँ पर कंपास को मैग्नेट के नियर तो जो नॉर्थ पोल होती है ना कंपास की वो क्या कर लेती है साउथ पोल की अलाइन अलोंग अलाइन कर लेती है, जैसे यहाँ पर ये कंपास जब है तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ही आपस में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए क्या है यहाँ पर सेम डायरेक्शन दिखता है कंपास में नियर अ मैग्नेट, एंड हर द कंक्लूजन इज कि वी सी दैट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट द ऑपोजिट पोल्स ओनली, एक कंक्लूजन यही निकला एंड दिस मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है, एंड फॉर कन्वेंशन वी एज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड एमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोज इन टू द साउथ, इसलिए हमने क्या यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं साउथ तक जाती हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. तो क्या हो रहा है जिस direction में magnetic field होती है ना वही क्या हो जाता है direction in which कैसे decide करते हैं कि किस direction में होगी magnetic field, तो जहां पे भी north पोल जो है उधर कंपास नीडल में जो है डायरेक्शन जो होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट द साउथ पोल, तो इसीलिए यहाँ से कन्वेंशन के थ्रू निकलता है कि मैग्नेटिक लाइन्स जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड साउथ पोल पर आके एंड हो जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज From its south pole to its north pole and magnet के अंदर क्या होता है कि जो direction है field lines का वो south pole से north pole की तरफ होता है, thus the magnetic field lines are closed curves and इसलिए जो magnetic field lines क्या है वो closed curves हैं, the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness and the field lines, जो relative strength होती है ना magnetic field की वो किसके through show होती है फील्ड लाइन्स कितना ज्यादा क्लोज है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर विद द
where the field lines are crowded. तो फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर हैं, फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर है दैट मीन्स कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है पोल पे ऑफ द अनदर मैग्नेट जो कि प्लेस्ड है वो क्या हो जाता है ज्यादा है जहां पर भी फील्ड लाइन्स जो है वो क्राउडेड है. दैट मीन्स कि क्राउडेड फील्ड लाइन की प्लेस में जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है एंड अनक्राउडेड फील्ड लाइन्स की नियर बाय क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है. नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. अभी कभी भी जब ये फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं ना तो आपस में दो लाइन्स आपस में क्रॉस नहीं करती हैं. क्यों नहीं होता है? इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल हैव वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल. अगर वो क्रॉस करेंगी तो वहां पर क्या आ जाएगा कि जो कंपास नीडल है उसको दो डायरेक्शन अलग अलग शो करने पड़ेंगे क्योंकि क्रॉस होने के बाद यहाँ पर आके कंपास नीडल क्या है एक ही डायरेक्शन शो करेगा, दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता है. एंड अगर हम यहाँ पर केस ये लेके चलते कि कंपास नीडल दो डायरेक्शन शो कर रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है एंड दैट इज वाई कोई भी दो लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करती. देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. की कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है, करंट कैरी करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके थ्रू होती है. सो यहाँ पर हम देखते हैं डिटेल में. इन एक्टिविटी 13.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सो एक्टिविटी 13.1 में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग में. इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे. सो ये जो डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ना फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एक एक्टिविटी को. सो एक्टिविटी 13.4, एक्टिविटी 13.4 में क्या करना है ना हमें, यू हैव टू टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर टू और थ्री सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड प्लग की कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज एज शोन इन फिगर 13.5A. जो 13.5A फिगर में जैसे अरेंजमेंट दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर करना है एंड देन यू हैव टू then you have to find the change that ki just change direction of current in wire and see the deflection in the compass ki direction ka jo current ka jo direction hai wo change ho raha hai ya magnetic needle mein jo deflection hai wo kaise show ho raha hai. so after this activity what will you observe ki we observe that the current direction of the current compass needle also reverses its direction ki jab agar hum current ka डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो कंपास नीडल का डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाता है एंड जो करंट फ्लो हो रहा है ना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो डायरेक्शन ऑफ द नीडल क्या होता है, ईस्ट है. सिमिलरली इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ कंपास पॉइंट्स टुवर्ड्स द वेस्ट. सो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कंपास नीडल पे भी डिपेंड कर रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए यूज हो रही है कि करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो होगा तो नीडल का डायरेक्शन होगा ईस्ट साइड पे एंड जब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ कंपास क्या होगा, वेस्ट साइड पर होगा. क्लियर? एक्सप्लेनेशन पार्ट में अगर हम देखें इस एक्टिविटी के तो जब करंट पास कर रहे हैं ना हम एक वायर में तो वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ये जो मैग्नेट ये फील्ड होती है वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है करंट की डायरेक्शन में. तो इसीलिए अगर करंट क्या है नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा है ना तो ईस्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ पोल बन जाती है एंड इस सिचुएशन में क्या है जो साउथ पोल जो होता है ना मैग्नेट के वो अलाइन कर जाते हैं विद द नॉर्थ पोल एंड सी कंपास डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट. देन अगर सिमिलरली वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेज एंड दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर करंट चेंज कर रहे हैं तो फील्ड लाइन्स में वो भी चेंज होंगी, स्ट्रांग होंगी या फिर वीक हो जाएंगी. सो ये होता है एक्टिविटी 13.4. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. सो यहाँ पर भी क्या था कि करंट कैरिंग कंडक्टर था, अब यहाँ पर है करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है. तो मैंने आपको बताया ये नहीं कि अन अकेडमी की सारी क्लासेस लाइव होते हैं एंड लाइव क्लासेस का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप अपने सारे डाउट्स को एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्लियर कर सकते हैं एंड वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ. What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? So, किसी भी conductor के across जो magnetic field generate हो रही है उसका pattern कैसे decide होता है, कैसे determine होता है? Does the pattern depends on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity.
तो शेप ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या पैटर्न होता है, क्या शेप होता है जो कि कंडक्टर का शेप है, ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी है 13.5। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करेंट। तो फर्स्ट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेट करेंट कंडक्टर के अक्रॉस एंड देन उसके बाद स्पाइरल कंडक्टर के अक्रॉस। तो एक्टिविटी 13.5 में क्या है, आपको चाहिए एक बैटरी, रियोस्टेट एंड एमीटर, एंड उसके बाद एक अरेंजमेंट बनाना है जिसमें रियोस्टेट, एमीटर, बैटरी, की एंड यहाँ पर एक्स एंड वाई पॉइंट के बीच में क्या रहेगा, कॉपर वायर, एंड उसमें प्लेस्ड होगा बीच में कार्डबोर्ड। सो उसके बाद क्या होगा ना इस एक्टिविटी में, कि जब आप यहाँ पर इसके पे आयरन फिलिंग्स और जो आयरन का पाउडर होगा आप जब यहाँ पर ड्रॉप करोगे ना, सो करंट फ्लो होना देन स्टार्ट होगा। उस कंडीशन में यहाँ पर ये अरेंजमेंट आपको दिखेगा, दैट मीन्स कि जो कंसेंट्रिक सर्कल लाइन्स है ना वो इंडिकेट होती हैं। सो व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। तो यहाँ पर ये चीज एक करंट के साथ तो ठीक है, बट वेरिएबल रियोस्टेट दिया है इसलिए रेजिस्टेंस को चेंज करके भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कर रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है कंपास नीडल का किसी भी गिवन पॉइंट पर अगर चेंज होता है, कैसे हो रहा है कि अगर करंट जो है कॉपर वायर में चेंज होगा तो टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, इसके लिए क्या करना पड़ता है, करंट में वायर को वेरी करना पड़ता है। सो वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस, तो डिफ्लेक्शन जो है नीडल में वो भी चेंज हो जाता है। इन फैक्ट द करंट इज इंक्रीज, एंड करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases and as the current through the wire increases. तो क्या indicate करता है ये कि जो magnitude है magnetic field का वो कब produce होता है, किसी given point पर produce होता है, इंक्रीज हो रहा है जबकि करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होगा एंड साथ साथ डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट अ फादर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर से एट पॉइंट क्यू। तो इनिशियली क्या किया था, यहाँ पर जो कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस है में इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो फ्लो हो रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर एक कंपास रखते हैं, सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा दूर रखते हैं ऑब्जर्व करने के लिए कि कहाँ तक इसका जो है इफेक्ट है। सो क्या ऑब्जर्व होता है, वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस, एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज किया जो डिफ्लेक्शन है वो भी डिक्रीज हो गया। Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. So, क्या होता है, जो magnetic field produced होती है ना किसी भी given conductor के through, given conductor में, वो decrease होती है कब, जैसे जैसे distance increase होता है। From figure 13.6, it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire becomes large and large as we move away from it. So 13.6 equation से क्या शो होता है, फिगर से क्या शो होता है कि जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी कंडक्ट करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर के अक्रॉस, तो वो कब लार्ज हो जाती है, जब उसे दूर जाया जाए। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंसेंट्रिक सर्कल में मूव कर रही है, एंड देन कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस कंडीशन में क्या है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लार्जर हो जाती है जितना ज्यादा उससे दूर मूव करो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उससे ज्यादा और स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन इन फिगर 13.7। सो एक कन्वीनियंट वे होता है क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो, एंड that is associated with a current carrying conductor in figure 13.7। and next second क्या दिया हुआ है कि current carrying conductor जो कि page number 37 sorry figure number 13.7 में explained है, next page पर हम यहाँ पर देखते हैं। so imagine you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current। इसका मतलब क्या है कि क्या imagine करना है कि जो current carrying straight conductor है
इन राइट हैंड में आपके इसका कैसे अरेंज है कि जो थंब है वो पॉइंट्स कर रहा है क्या डायरेक्शन ऑफ करेंट, एंड जिस डायरेक्शन में फिंगर्स रैप हैं वो क्या शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस एज शोन इन फिगर 13.7, एंड दिस इज नोन एज अ राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल्स में क्या है, दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, एंड जो राइट हैंड इफेक्ट इस कॉर्क क्या बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं. वी कंसिडर अवर सेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉर्क स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो जो डायरेक्शन है कॉर्क स्क्रू के रोटेट होने की वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड जिस डायरेक्शन में कॉर्क स्क्रू जा रहा है वो हो जाएगा क्या डायरेक्शन ऑफ करेंट. देन एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ करेंट थ्रो अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन्स फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट. तो जो करंट है किसी भी हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किस डायरेक्शन में जो है वो ज्यादा बेटर होगा. तो द करंट इन इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, करंट कौन से डायरेक्शन में होता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है. अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉकवाइज इन द सेम प्लेन टू द वायर when viewed from the east end and anti-clockwise when viewed from the west end. So, जब current क्या है east-west direction में move कर रहा है तो apply करते जब right hand thumb rule, so क्या होता है कि magnetic field at any point below or above the wire के ऊपर हो जाए नीचे हो, the turns clockwise and plane perpendicular to clockwise in the plane perpendicular to the wire. So when viewed from the east end and anti-clockwise when viewed from the west end. So यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो planes है perpendicularly arrange करना होता है, and then उसके बाद इसको क्या करते हैं यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ जो करंट है उसको फाइंड आउट करते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट क्या है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन. सो करंट तो क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर है ना. अभी यहाँ पर आते हैं जो हमने टॉपिक अर्लियर पढ़े उनके बेस्ड क्वेश्चन. फर्स्ट इज ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करना है. सो सिंपल यहाँ पर जो लास्ट पेज पे हमने देखा था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ है, ये फिगर आप इसमें क्वेश्चन में बना सकते हो. देन सेकेंड है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी है कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज करके साउथ पोल में एंटर करती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होता है फील्ड लाइन्स का वो होता है कहाँ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड आउटसाइड होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन. थर्ड है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट क्यों होती हैं, कि अगर जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करती हैं then at one point of intersection the compass needle show two different direction, दो different direction दिखाएंगे तो उससे क्या होगा fluctuations होंगे, that is why they do not interact with each other. Simple सा solution है इसका भी कि दो magnetic line intersect क्यों नहीं कर रही है, because on point of intersection पे जो compass needle या जो needle show है कंपास नीडल क्या शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन शो करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है इंटरैक्शन नहीं शो होता. क्लियर हुआ ये टॉपिक भी. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो बात कर रहे थे ना तो वो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर था, बट यहाँ पर जो है वो सर्कुलर लूप है. वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. सो एक स्ट्रेट वायर जिसमें कि करंट था उसके सराउंडिंग में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे. सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप एंड अ करंट इज passed through it. So क्या किया उस सर्कुलर वायर को ना उस स्ट्रेट वायर को सर्कुलर लूप में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया एंड वहां से फिर करंट पास कर रहे हैं. सो हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक, देन इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे दिखेंगी. वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट. सो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ना किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड, सो वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल होती है. सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर. सो जैसे जैसे इस वायर से दूर जाते जाएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो क्या है बड़े होते जाएंगे. By the time we reach the center of the circular loop, the arc of these big circles would appear as straight line. And जब कहाँ पहुंचेंगे हम circle के इस center point पे पहुंचेंगे ना वहां पर ये जो field lines कैसे होंगी straight line के form में होंगी. Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop. And हर एक point पर जो wire है जिसमें की current flow हो रहा है वो ऐसी magnetic lines को ऐसे magnetic lines appears होते हैं जो कि straight line होते हैं. यहाँ पर जैसे आप south and north direction में देखोगे ना so सर्कल के इस लूप के सेंटर में क्या लगेगा कि जो लाइंस है वो स्ट्रेट है, बट जबकि पोल्स पे क्या रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर ही दिखेंगे. By applying the right hand rules, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. And जब यहाँ पर right hand rule apply किया जाएगा तो उसे क्या clear हो जाएगा कि wire के हर एक section पर जो magnetic field lines है वो same direction में है within the loop. That means ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी कि यहाँ पर जो arrow है वो साउथ टू नॉर्थ है एंड यहाँ पर जो एरो है वो रिवर्स हो जाए. हर एक जगह क्या होगा लाइन्स का जो डायरेक्शन है वो सब पॉइंट ऑफ सर्कल पे सेम होगा. वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट. सो जो क्या होता है किसी भी मैग्नेटिक किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट. जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड उतना ही ज्यादा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. तो अभी यहाँ पर क्या है सिर्फ एक turn है तो current कम होगा. अब ये turns का number बढ़ा दिया जाए that means कि n number of turns है तो जो magnetic field produce हो रही है वो भी कितना time increase हो जाएगी n times जो है वो increase हो जाएगी. This is because the current in each circular turn has the same direction because हर एक turn के time पे direction same है. So, वहां पर जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज होंगी एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन एड्स जस्ट एड अप और जो हर टर्न की फील्ड है वो एड हो जाएगी इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी. यहाँ पर एक्टिविटी 13.6 में हम देखते हैं क्या है. टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग टू होल्स इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम. सो इसके लिए क्या करना है आपको एक कार्डबोर्ड लेना है एंड सेंटर से उसमें होल करके एक ऐसा वायर का लूप बना के इसमें इंसर्ट करना है. कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल इन सीरीज विद अ बैटरी एंड ये जो वायर को टर्न किया तो ये क्या बन गया कॉइल बन गया. तो इसके जो दो एंड्स हैं उसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है सीरीज में. स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड प्लग द की एंड यहाँ पर क्या करना है आयरन फिलिंग्स को जैसे हमने एक बार लास्ट पेज पे भी एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी में था कि आयरन फिलिंग्स जो थी एक बार मैग्नेट के अराउंड किस डायरेक्शन में स्टेट हो जाती है. वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि जब आयरन फिलिंग्स को कार्डबोर्ड पे डालेंगे तो एक सर्कुलर लूप के अराउंड वो किस डायरेक्शन में अरेंज होते हैं. सो टेक टैप द कार्डबोर्ड जेंटली अ फ्यू टाइम्स नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स दैट एमर्जेस ऑन द कार्डबोर्ड. सो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो एक सर्कुलर लूप के अराउंड अरेंज होते हैं ना तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो क्या कैरेक्टरिस्टिक है दैट मीन्स कि जब वो सर्कुलर लूप के अराउंड है तो जहाँ से फील या फिर करंट स्टार्ट होता है एंड एंड होता है जहाँ से एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है ना वहाँ पर लाइंस जो है वो सर्कुलर होती हैं एंड ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. दैट मींस कि जो सेंटर पॉइंट है ना सारे सर्कल्स का सेम होता है एंड जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है ना दैट मींस कि सेंटर में वो क्या हो जाती है लाइन्स सारे पैरेलल हो जाते हैं एंड स्ट्रेट होने लगते हैं. उसके अलावा ये जो कॉइल है ना उसके अंदर जितनी भी फील्ड लाइन्स होंगी सभी एक डायरेक्शन में होती हैं एंड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है ऑलमोस्ट पैरेलल है एंड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल जो प्लेन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का वो राइट एंगल होता है
टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो सर्कुलर कॉइल का प्लेन हो गया एंड ये फील्ड लाइन हो गई, तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के, क्योंकि जहां पर ज्यादा करंट है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज्यादा डेंस है, एंड जैसे जैसे करंट कम हो जाता है वहां पर डेंसिटी क्या है, लाइन्स की कम हो जाती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस की, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड देन देयर इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक कि करंट फ्लोइंग जो है वो अगर साउथ वाइज है तो क्लॉकवाइज, मतलब कि क्या हो रहा है, साउथ डायरेक्शन में, एंड करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज कब होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर साउथ एंड नॉर्थ, तो क्लॉकवाइज हो गया साउथ एंड एंटी क्लॉकवाइज हो गया क्या, नॉर्थ। एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर द कॉइल फेसिंग अस इज कंसिडर्ड एज साउथ पोल एंड द अदर वन इज नॉर्थ पोल, जो हमारी साइड फेस करेगा वो हो गया साउथ एंड जो दूसरी साइड है वो है नॉर्थ, एंड ये किसके थ्रू अप्लाई भी होता है, राइट हैंड थंब रूल जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में जो करंट है वो क्या है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा आपका कि सोलेनोइड क्या होता है, क्योंकि आपको स्ट्रेट वायर भी पता है, सर्कुलर लूप पता है, पर सोलेनोइड क्या होता है, तो एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जैसे स्प्रिंग देखा हुआ ना पेन या पेंसिल में होता है, हेलिकल कॉर्ड्स होते हैं, तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वो हो गया क्या, सोलेनोइड। एंड ये सोलेनोइड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनोइड, तो ये क्या है, कॉपर वायर का होता है, जनरली इंसुलेटेड कॉपर वायर से एक रैप किया जाता है सिलेंडर के अराउंड में। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज शोन इन फिगर 13.10, एंड यहाँ पे 13.10 के अराउंड एक सर्कुलर सोलेनोइड जो है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न गिवन है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विथ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, अब अगर आप इसका जो पैटर्न है वो अगर बार मैग्नेट से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा, दैट मीन्स कि लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन एंड एंड्स एट साउथ डायरेक्शन, एंड जो सर्कुलर पैटर्न है वो भी सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट होता है। Do they look similar? Yes, they are similar. So they are similar because हमने earlier bar magnet में देखा है, and यहाँ पर क्या है, solenoid का case given है. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other behaves as a south pole. So solenoid के case में भी क्या होता है कि एक जो pole है वो north pole behave करेगा जहाँ से lines start हो रही हैं, and दूसरा जो pole है वो कैसे behave करेगा, south pole, जहाँ पर आके lines end होती हैं. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel स्ट्रेट लाइन्स, एंड जो फील्ड लाइन्स होती है ना किसी एक सोलेनोइड के अराउंड, वो किस फॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सोलेनोइड के अंदर वो हर एक पॉइंट पर सेम है, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, तो यूनिफॉर्म है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. So, अब यहाँ solenoid के अंदर जब ज़्यादा strong magnetic field produce हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है? किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए भी वो फील्ड जो है वो यूज हो सकती है। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इस टेक्निक से जो मैग्नेट बनते हैं ना किसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है, मैग्नेटाइज किया जाता है, उसी प्रोसेस से जो मैग्नेट बन रहा है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ चेंज कैसे हो सकती है, अगर हम करंट का अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं उस कंडीशन में चेंज हो जाती है, देन अगर नंबर ऑफ कॉपर वायर के जो टर्न्स हैं उनको चेंज किया जाए, गैप में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उससे भी क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड अगर यहाँ पर जो नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे कि सोलेनोइड बन रहा है ना उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाती है, क्लियर है। एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ टर्म आया है यही हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, बट उससे पहले हम यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉक वाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड एंड आउटसाइड द लूप। सो यहाँ पर क्या हो रहा है ना,
एक सर्कुलर लूप वायर जो है, वायर का एक सर्कुलर लूप क्या है, टेबल प्लेन ऑफ टेबल पे लाई कर रहा है, ये हमें कंसिडर करना है. लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉक वाइज एंड उस लूप से क्लॉक वाइज जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. यहाँ पर हमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप. तो क्या होगा ना, अब जब यहाँ पर सर्कुलर लूप टेबल पे लाई कर रहा है, उस कंडीशन में जो करंट है वो भी वायर से है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होगा. तो अगर हम क्या देखें, यहाँ पर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इमर्ज होंगी ना टेबल, वो कहाँ से होंगी, फ्रॉम, विल इमर्ज फ्रॉम टेबल आउटसाइड द लूप एंड मर्जिंग विथ टेबल इन साइड द लूप. सो क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, फिंगर जो रोल होता है ये हो गया हमारा राइट हैंड, थम क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करेंट. सो थम अगर इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर लूप के, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो इमर्ज आउट होंगे एंड देन टेबल में इनसाइड जाएंगे एंड फॉर्म अ लूप. एंड सिमिलरली फॉर करंट फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इफ दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द टेबल आउटसाइड द लूप एंड मर्जिंग विद द टेबल इनसाइड द लूप. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये हो गया एक लूप जो टेबल पे है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमर्जिंग फ्रॉम आउटसाइड द टेबल, यहां से इमर्ज हो रही है एंड मर्जिंग विथ द टेबल इनसाइड द लूप, एंड टेबल के इनसाइड जाके क्या हो रही है, मर्ज हो रही है. ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एज इफ दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द टेबल आउटसाइड द लूप. क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्शन है क्या करंट का, तो इस डायरेक्शन में जो फिंगर्स हैं वो यहाँ से अपवर्ड इमर्ज हो रही हैं एंड दे आर गोइंग इनसाइड द लूप. सो ये डायरेक्शन जो है वो फॉलो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड यहाँ पर ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं. क्लियर हो रहा है ना आपको? और इनकेस अगर नहीं भी हो रहा है तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर देखना है एंड जो भी डायरेक्शन आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड का, अगर आपको ये अपवर्ड डाउनवर्ड से क्लियर नहीं हो रहा है, इस लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसको प्रॉपर डायग्रामेटिकली करेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो ना, वो भी इस आंसर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. क्योंकि आपको ये अपवर्ड फील्ड लाइन्स एंड डाउनवर्ड फील्ड लाइन्स में क्या कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप. तो इसीलिए आप यहाँ पर सिर्फ क्या अप्लाई करना है, ये रूल अप्लाई होगा. क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये करंट फ्लो अगर हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइंस इनसाइड द लूप जा रही हैं एंड इमर्ज आउट कहाँ से हो रही हैं, आउटसाइड द लूप से. एंड इस वाले डायरेक्शन में जब ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक करंट है, सो क्या हो रहा है, इंसर्ट कहाँ से हो रही है, इनसाइड द लूप, एंड इमर्ज आउट कहाँ से होंगी, आउटसाइड द लूप से. सो ये आप इजीली अगर कर सकते हो, दैट विल बी सफिशिएंट. सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी रीजन में यूनिफॉर्म है, उसके लिए डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, जो सोलेनॉइड का डायग्राम है आप वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, यूनिफॉर्म होती है, या फिर बार मैग्नेट जो है उसमें भी इनसाइड द बार मैग्नेट लाइन्स यूनिफॉर्म है. दैट मीन्स कि सब में सेम डिस्टेंस होता है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब में ही क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन में है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, एंड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स. सो इनसाइड द सोलेनॉइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, सेम एट ऑल पॉइंट्स. एंड यही हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अभी बोला हुआ आपको कि यूनिफॉर्म है, दैट मींस कि सेम है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, दैट मींस कि सेम एट ऑल पॉइंट. सो ये सिंपल से क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए. अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. अभी तो हम देख रहे थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. बट करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कुछ फोर्स भी होता है. तो उस फोर्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं. वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. सो एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन द विजिबिलिटी ऑफ द कंडक्टर. एंड जो फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, वो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन मैग्नेट के ऊपर. एंड कहाँ पर रखा हुआ वो कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट की विजिबिलिटी में जब रखा रहता है. फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेरे एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो जो एम्पियर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि जो मैग्नेट है वो भी क्या करना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्सर्ट करना चाहिए. तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. एंड जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वो इस एक्टिविटी के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटेड है. लेट्स सी हियर. टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी using two connecting wires suspended horizontally from a stand as shown in figure 13.12. So, क्या करना है यहाँ पर, एक aluminium की small rod लेना है AB, दो connecting wire को use करके क्या करना है, इसको horizontally यहाँ पर hand stand के साथ लगाना है. Take a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field डायरेक्टेड अपवर्ड. सो यहाँ पर जो एक हॉर्सशू मैग्नेट है वो उस टाइप से अरेंज करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो एंड रॉड का एक एंड जो है वो दोनों पोल्स के बीच में रहे. कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद अ बैटरी आज की एंड अ रियोस्टेट. एंड क्या करना है, इस एल्यूमिनियम रॉड को एक की बैटरी एंड रियोस्टेट के साथ अरेंज करना है. नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए. एंड देन क्या करना है, करंट पास कहाँ से होगा, डायरेक्शन बी टू डायरेक्शन, पॉइंट बी टू पॉइंट ए. What do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left. You will notice that the rod gets displaced. So क्या होगा ना, यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि ये जो रॉड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. इट इज नाउ टुवर्ड्स द राइट. सो क्या करना है, उसके बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करना है एंड देन अगेन ऑब्जर्व करना है जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होगा, वो राइट साइड होगा. एंड व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रहा है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, उसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या शो कर रहा है, जब एक करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से वो मूव कर पा रही है. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. So, क्या और suggest करता है कि जो force का direction है ना, वो भी change हो जाता है जब current का direction जो है वो change होगा तो. Now, change the direction of field to vertically downwards by interchanging the two poles of the magnet. अब क्या करना है, फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे, कैसे होगा वो, पोल्स की डायरेक्शन को इंटरचेंज करके. इट इज वंस ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स. तो जो फोर्स का डायरेक्शन है ना उस करंट कैरिंग रॉड में, वो भी रिवर्स हो जाता है. इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये क्या शो करता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है ना कंडक्टर पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे. Experiments have shown that the displacement of the rod is largest on the magnitude of the forces highest. तो क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट से और क्या शो हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कब सबसे ज्यादा होगा, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हाईएस्ट होगा. एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये कब होगा कि रॉड का डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट हो रहा है या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है, जबकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर होता है. In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor. And ये जो condition है ना, हम कब use कर सकते हैं force को find out करने के लिए, इस condition में हम क्या करते हैं, conductor को conductor sorry
यहाँ पर हम फोर्स फील्ड एंड करंट की पोजीशन और डायरेक्शन को पता करने के लिए एक सिंपल रूल का यूज कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में. इन एक्टिविटी 13.7 वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. सो इससे क्या यहाँ पर एक एक्टिविटी है 13.7 में जो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखा, करंट पास किया, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो करंट का डायरेक्शन है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड वहां से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के. सो द थ्री डायरेक्शंस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एंड ये जो तीनों डायरेक्शन है ना वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू क्लियरली शो हो सकते हैं कि जब आप थंब, फर्स्ट फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते हो तो थंब क्या शो करेगा, मोशन, दैट मींस की फोर्स. फोर्थ फिंगर शो करती है क्या, फील्ड का डायरेक्शन. एंड जो मिडिल फिंगर है वो शो क्या करती है, करंट का डायरेक्शन. तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट और इस सिंपल रूल के थ्रू क्या है, हम अगर आपको फील्ड का डायरेक्शन पता है और करंट पता है तो आप, इवन अगर फील्ड का डायरेक्शन भी पता है तो आप फोर्स का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर्थ फिंगर एंड मिडिल फिंगर फॉर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एंड इसके लिए क्या करना है, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करना है. इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb will point in the direction of motion of motion or the force acting on the conductor. तो first finger अगर magnetic field का direction बता रही है, second finger current का direction बता रही है, तो जो thumb है वो क्या करता है, motion या फिर जो force exert हो रहा है उस conductor के ऊपर, force act कर रहा है उसका direction show करता है thumb. Devices that use current carrying conductors and magnetic fields include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones and measuring instruments. So, ऐसे जो भी instrument है या devices है वो क्या use करते हैं, current carrying conductor और magnetic फील्ड के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ना, उसके एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन हैं. इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स. एंड इसके बाद जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 13.2, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट. सो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है राइट एंगल पे, एज शोन इन फिगर 13.14. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो डायरेक्शन ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है जो इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट कर रहा होगा. तो यहाँ पर गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन. अभी यहाँ पर एक चीज ये देखो आपकी, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है. सो हमें फाइंड आउट जो करना है फोर्स किस डायरेक्शन में करेगा. यहाँ पर आंसर तो गिवन है इन टू द पेज, क्यों होगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड करंट और फोर्स है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ऑन द ऑपोजिट साइड. द फोर्स इज देयरफॉर डायरेक्टेड इन टू द पेज, इसीलिए क्या है फोर्स कहाँ पर डायरेक्ट होगा, इन टू द पेज, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. सो ये हो गया क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो कर रहा है करंट, जो फोर्थ फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, मिडिल फिंगर है क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट. सो फोर्स अप्लाई कहाँ हो रहा है, इट इज डाउनवर्ड्स द पेज. सो क्या हो जाएगा, इन टू द पेज यहाँ पर आंसर हो जाएगा. अब ये जो क्वेश्चन है इनको देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो प्रोटोन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो जाती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करते हैं, तो ऑप्शन इज मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मूवमेंट. So, answer यहाँ पर क्या है ना, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, कि जो प्रोटॉन क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करता है ना, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोटॉन जो है वो सर्कुलर हो जाएगा एंड इसी वजह से क्या है, वेलोसिटी और मोमेंटम जो है वो चेंज होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ फर्स्ट वन इज करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज, सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज एंड थर्ड द लेंथ ऑफ रॉड ए बी इज इंक्रीज. सो कौन कौन से कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड है वो अफेक्ट होगा. सो करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का वो क्या होगा, करंट का अमाउंट इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से भी चेंज होता है. इसीलिए जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट जब होगा ना उस रॉड ए बी पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, कब कब इंक्रीज होगा, जब करंट जो है ए बी रॉड में वो इंक्रीज हो रहा है. सो करंट ए बी रॉड में जब इंक्रीज होगा सो डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, इंक्रीज होगा. स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट यूज करने पर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होगा. एंड थर्ड वन, जब लेंथ जो है रॉड ए बी की वो इंक्रीज होगी उस कंडीशन में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा. क्योंकि क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कब कब इंक्रीज होता है, जब करंट का अमाउंट इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर कंडक्टर जो है वो इंक्रीज होगा. क्लियर हो गया ये आंसर, बहुत सिंपल है. तो अफेक्टेड में क्या आएगा, इन ऑल थ्री कंडीशन इट विल बी इंक्रीज्ड. एंड एक्सप्लेनेशन में जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर में डिस्कस कर लिया, थर्ड वन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. सो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना वो वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुए, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहाँ पर, नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू. तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे, थ्रू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल इफ वी अरेंज अवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या शो करेगा, थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मिडिल फिंगर डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर फिंगर डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगा एंड करंट यहाँ पर ये शो कर रहा है तो हो गया क्या, वेस्ट डायरेक्शन में. अब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो यहाँ पर आंसर आ गया टुवर्ड्स अपवर्ड. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक मोटर. बट इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करने के पहले क्या है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या है, दे आर दो सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू इट, बट एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे हैं जो ओकेजनली मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं. जब करंट पास हो रहा है तो दे आर मैग्नेट, दे बिहेव एज मैग्नेट, बट जब वहां से करंट फ्लो होना रुक जाता है तो मैग्नेटिज्म जो है उन मैग्नेट्स की वो भी चली जाती है. एंड ये कैसे बनते हैं, लॉन्ग कॉइल्स होती हैं कॉपर वायर की जो एक सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड बाउंड होती हैं एंड जो एंड्स होते हैं कॉपर वायर के वो एक बैटरी से कनेक्ट होते हैं. एंड इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना उनमें स्ट्रेंथ जो है वो कुछ फैक्टर्स के थ्रू अफेक्ट होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड लेंथ ऑफ द गैप बिटवीन द कॉइल्स. ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. एंड इसके बाद जो हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है ना इसमें भी एंड इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है. सो लेट्स सी दिस टॉपिक, इलेक्ट्रिक मोटर. एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट
in electric fans, refrigerators, mixers, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा. सो इलेक्ट्रिक मोटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है एंड फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर ये यूज होते हैं. डू यू नो हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? अब इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है? सो वर्क करने के पहले इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है ना, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो एक दो मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी होती है ना, एंड उससे क्या है करंट पास होता है, तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होने लगता है एंड फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है. एंड रोटेट होने की वजह से क्या है, जो यहाँ कॉइल से शाफ्ट अटैच्ड होता है ना, वो भी रोटेट होता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन. अब इसका में वर्किंग कैसे है, वर्किंग के पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा कुछ, उसी वजह से तो ये वर्किंग है. कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्मेचर होता है जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD दिख रही है ना, जो कि सस्पेंडेड है दो मैग्नेट्स के बीच में या फिर टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स में, यहां से ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है. देन उसके बाद होते हैं यहां पर ये स्प्लिट रिंग्स है, इनको क्या बोलते हैं, कम्यूटर. देन उसके बाद है ये मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल जिनमें है. देन उसके बाद यहाँ पर जो ब्रशेज है ना, वो स्लाइडिंग ब्रशेज होते हैं, वो स्लाइडिंग ब्रशेज तो हैं बट दे आर फिक्स्ड, स्लाइडिंग और फिक्स्ड ब्रशेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दे आर प्लेस्ड. एंड उसके बाद होती है क्या यहाँ पर, बैटरी. अब हम वर्किंग देख लेते हैं. एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर 13.15 कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. तो यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर वायर की ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल. द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो आर्म AB एंड CD जो होते हैं फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं. द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ स्प्लिट रिंग. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ABCD से जो एक्सटेंडेड हैं, वो कहां से अटैच्ड होते हैं, P एंड Q पर अटैच्ड होते हैं. द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सेल. एंड के जो P एंड Q स्प्लिट रिंग्स हैं, इनके इनर साइड इंसुलेटेड होते हैं और इस एक्सेल से अटैच्ड होते हैं. द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ P एंड Q टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 13.15. सो जो एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस हैं वो कहाँ से, ब्रश एक्स एंड ब्रश वाई से रिस्पेक्टिवली अटैच्ड होते हैं. करेंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रशेज एक्स एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू द ब्रश वाई. सो करेंट यहाँ बैटरी से फ्लो होना स्टार्ट होता है, एक्स ब्रश से एंटर होके कॉइल से पास होके वाई ब्रश पे आके क्या होता है, एंड होता है. नोटिस दैट द करंट इन आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोस फ्रॉम A to B, इन द आर्म CD इट फ्लोस फ्रॉम C to D, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर्म AB. ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अभी यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट AB डायरेक्शन में ये रहेगा एंड CD डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. तो जब यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी क्या होगा, दोनों ही डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाएगा, एक में डाउनवर्ड है तो दूसरे में अपवर्ड होगा. We find that the force acting on the arm AB pushes it downward while the force acting on arm CD pushes it upward. तो AB को क्या करेगा, वो downward push करेगा and CD को upward push करेगा the current. Thus the coil and the axle O mounted free to the turn about an axis. तो जो coil और axle है वो यहाँ पर mount जब रहती है ना, तो वो एक axis के around move करने लगती है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, क्योंकि यहाँ पर सी जो है वो अपवर्ड जाएगा एंड यहाँ बी पॉइंट से क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करने लगती है. एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश क्यू एक्स एंड पी विथ ब्रश वाई. अब जब वो एक टर्न लेगी एंटी क्लॉकवाइज मूव करके, तो दैट मीन्स कि क्या होगा, सी आ जाएगा यहाँ पर एंड बी होगा इस पॉइंट पर. सो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे, क्यू आ जाएगा कॉन्टैक्ट में एक्स के एंड पी आ जाएगा कॉन्टैक्ट में वाई के. Therefore, the current in the coil gets reversed and the flow along the path DCBA. अब यहाँ पर जब वो reverse हुआ तो direction of current भी change हो जाएगा. अब direction of current change होगा तो direction of force जो apply हो रहा था वो भी change होगा. A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator. तो यहाँ पर जो commutator use होता है ना, वो क्या device है जो कि flow of current का जो direction है ना, current flow का, उसको reverse कर देते हैं. In electric motors, the split rings act as commutator.
एंड यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग्स होती है ना वही कम्यूटेटर की तरह बिहेव करती हैं. सो द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स ए बी एंड सी डी. सी डी तो अब करंट का डायरेक्शन जब चेंज होता है तो जो फोर्स एक्ट करेगा ए बी एंड सी डी आर्म पे वो भी रिवर्स हो जाएगा. दस द आर्म्स आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट वॉज अर्लियर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप अप एंड द आर्म सी डी प्रीवियसली पुश्ड अप इज नाउ पुश्ड डाउन. सो सिंपल है, इसको अगर इतना कॉम्प्लेक्सली ना देखो तो अब जब सी डी ने ए बी की प्लेस ले ली है तो करंट जो होगा वो तो अपवर्ड प्लेस होगा. ऐसा नहीं है कि सी डी में डाउनवर्ड था तो यहीं भी, बिकॉज बैटरी तो फिक्स है ना, बैटरी से करंट जाएगा यहाँ पर एंड इस वायर में जब फ्लो होगा और सी डी यहाँ पर इस साइड है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड ए बी में यहाँ पर डाउनवर्ड में फ्लो होगा. तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो भी सी डी को क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा एंड ए बी को क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा. दैट मीन्स की रिवर्स फ्रॉम द प्रीवियस डायरेक्शन. देयरफोर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन. इसीलिए सेम डायरेक्शन में ये जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है उसमें एक और टर्न लेंगे एंड वापस से क्या होगा, अपनी इनिशियल पोजिशन पर आ जाएंगे. रिवर्सिंग ऑफ द करेंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन एंड हर एक हाफ रोटेशन पे क्या होगा, करेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सल. एंड इसी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस रोटेशन जो है वो मेंटेन हो जाएगा इस एक्सल के अराउंड. द कमर्शियल यूज मोटर यूज, तो यहाँ पर जो है वो वर्किंग है सिंपली करंट इस बैटरी से फ्लो हो रहा है. सो करंट का डायरेक्शन हमेशा ही जो नॉर्थ साइड मैग्नेट है वहां पर ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड साउथ साइड मैग्नेट के अराउंड क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज बैटरी यहाँ पर प्लेस्ड है. सो अब इस साइड जो भी आर्म होगा ना उसमें करंट अपवर्ड फ्लो होगा एंड करंट अपवर्ड फ्लो होने की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड्स होगा एंड साउथ पोल साइड जो मैग्नेट वायर है वहां पर हमेशा ही जो भी एंड हो, वेदर इट इज सी डी और वेदर इट इज ए बी, हमेशा ही क्या होगा, करंट डाउनवर्ड फ्लो होगा. इस वजह से जो फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करेगा एंड इसी करंट की वजह से ये जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करने लगती है. एंड वो कंटिन्यूअसली मूव करती है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड है मूवमेंट एंड उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बैटरी से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में. अब इस इलेक्ट्रिक मोटर के कुछ कमर्शियल यूज होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट की प्लेस पे लगाया जा सकता है. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल एंड यहाँ पर क्या है, सिंगल टर्न है, इसकी प्लेस पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं. अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन Which the coil is bound. And यहाँ पर जो coil है ना उसकी place पे क्या कर दिया जाए कि soft iron core है जिसके ऊपर पिक की coil bounded है. The soft iron core on which the coil is bound plus the coil is called an armature. And एक जो soft iron core उसके ऊपर अगर wire को कॉइल के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं. दिस एनहेंसेज द पावर ऑफ द मोटर एंड ये क्या करता है, मोटर की पावर को इनहेंस कर देता है. जिसका यूज कहाँ कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फैंस में, पंपिंग वाटर, वेरियस टॉयज जो होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है. क्लियर हुआ. देन उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. फर्स्ट वन इज स्टेट Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule के according क्या है, if you stretch your thumb, forefinger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other, then thumb will point toward the direction of magnetic force, forefinger points the direction of magnetic field and middle finger जो है वो क्या point करेगा, direction of करंट. क्लियर. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो जो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे है. दैट मींस कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड रोटेट करने लगता है. एंड जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, थ्रू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स का यूज क्या है, जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसका, कम्यूटेटर का इन इलेक्ट्रिक मोटर. तो जो कम्यूटेटर है वो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ना उसको रिवर्स कर देते हैं. दैट मीन्स कि एट ईच एंड एवरी हाफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स होगा एंड उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्प्लिट रिंग्स. एंड ड्यू टू दिस रिवर्सिबल ऑफ करंट जो कॉइल है वो कंटिन्यू रोटेट भी कर पाती है. तो स्प्लिट रिंग्स इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्लियर हो गया यहाँ पर ये क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक अब हमें देखना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
सो वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है ना मैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेटिज्म क्या है? इंड्यूस्ड करेंट. दैट मीन्स कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टिंग लूप में करेंट इंड्यूस होता है दैट इज इंड्यूस्ड करेंट. एंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है उस इंड्यूस्ड करेंट से वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किसने बताया था? माइकल फैराडे ने, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट है. वी हैव स्टडी that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field. हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ऐसे डायरेक्शन में कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किसके परपेंडिकुलर हो? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो. देन वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है. दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव एंड उस फोर्स की वजह से कंडक्टर मूव करने लगता है. नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन in which a conductor is moving inside a magnetic field or a magnetic field is changing around a fixed conductor. So, यहाँ पर हम एक ऐसी situation imagine कर रहे हैं कि जिसमें कि क्या हो रहा है कि किसी एक कंडक्टर के अक्रॉस कंडक्टर क्या है? मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स्ड कंडक्टर के अराउंड चेंज हो रही है. सो इससे होगा क्या कि अगर कंडक्टर को फिक्स कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में या फिर फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर जो है मूव कर रहा है. सो दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे. क्या स्टडी किया उन्होंने? इन 1831 फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाई डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो एक जो मूविंग मैग्नेट है इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंड में मूव करेगा ना तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करता है. टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. एंड इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक्टिविटी गिवन है. 13.8. Take a coil of wire having a large number of turns. Connect the end of the coil to a galvanometer as shown in figure 13.16. तो इसके लिए coil a wire लेना है जिसको coil के form में arrange करके उसमें बहुत सारे turns रहें and उसको एक galvanometer के साथ attach करना है, connect करना है. Take a strong bar magnet and move its north pole towards the end B of the coil. Do you find any change in the galvanometer needle? अब एक strong bar magnet को कि जो नॉर्थ पोल है उसको कॉइल के बी एंड पर जाके लगाना है एंड उसके बाद गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है उसमें ऑब्जर्व करना है. जैसे ये हो गया क्या, बी एंड जो है कॉइल का उसके पास ले गए हम क्या नॉर्थ पोल एंड यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को देखना है. देयर इज अ मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू द राइट. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल ए बी. द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो, द मूवमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप. तो जैसे ही मैग्नेट का मोशन रुक जाएगा तो क्या होगा, जीरो रीडिंग हो जाएगी. बट जैसे जैसे हम मैग्नेट को क्या लेके जा रहे हैं, क्लोजर लेके जाते हैं बी एंड की तरफ, सो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है. नाउ विथड्रॉ द पोल नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट. अभी क्या किया, नॉर्थ पोल को विथड्रॉ करना है कॉइल से, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्शन शो करेगा. इससे क्या हो रहा है कि जो करंट का डायरेक्शन है ना वो प्रीवियस डायरेक्शन से ऑपोजिट हो गया है. प्लेस द मैग्नेटिक मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कॉइल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल. वी सी दैट द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट व्हेन द कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. सिमिलरली द नीडल मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन द कॉइल इज मूव्ड अवे. तो जैसे ही नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द बी पॉइंट लेके जाएंगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा एंड व्हेन इट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. When the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of the galvanometer drops to zero. And जब coil को and magnet को stationary रख देते हैं उस condition में क्या होगा, जो deflection है galvanometer का वो zero हो जाता है. What do you conclude from this activity? So इसे क्या हम conclude करते हैं, You can also check that if you have moved south pole of the magnet towards the end B of the coil, the deflection of the galvanometer would just be opposite to the previous case. So, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ north pole के साथ ही deflection show हो रहा है, south pole के साथ भी same deflections show होंगे. क्यों होंगे? यहाँ पर इस paragraph में हमें answer मिलेगा. When the coil and the magnet are both stationary, there is no deflection in the galvanometer. And जब
स्टेशनरी थे कॉइल एंड मैग्नेट, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था. इट इज दस क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ अ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच सेट्स अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. सो क्या हो, क्या क्लियर हो रहा है इस एक्टिविटी से, कि जो मोशन होता है मैग्नेट या कॉइल का एंड मैग्नेट का कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या होता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है. एंड जो ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में सेटअप हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या है हमें यहां पर गैल्वेनोमीटर पे देख सकते हैं. गैल्वेनोमीटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां पर गिवन है, क्यों यूज होता है, कहां पर यूज होता है, सो उसको आपको यहां से रीड करना है. एंड माइकल फैराडे जो है उनके बारे में भी जो इंट्रोडक्शन है उसके भी बारे में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि माइकल फैराडे का कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो यू हैव टू रीड अबाउट दिस ऑल्सो. नाउ लेट अस परफॉर्म अ वेरिएशन of activity 13.8 in which moving magnet is replaced by a current carrying coil and the current in the कॉइल कैन बी वेरीड. सो यहाँ पर क्या किया है, मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया है नेक्स्ट एक्टिविटी में कॉइल से, एंड उस कॉइल में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है. एंड वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वेरी हो सकता है, दैट मींस कि यहाँ पर रियोस्टेट भी लगाया हुआ है. सो लेट अस सी दिस एक्टिविटी. टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 एंड 100 रेस्पेक्टिवली. इंसर्ट द नंबर देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल कॉइल रोल एज शोन इन फिगर 13.17. यू मे यूज अ थिकर पेपर रोल फॉर दिस पर्पज. तो यहाँ पर क्या करना है, कॉइल्स को नंबर जो है 50 या 100 करके सिलिंड्रिकल पार्ट के या सिलिंड्रिकल जो भी हम बोल सकते हैं एक सब्सटेंस रोल लेकर उसके अराउंड क्या करना है, इनको कॉइल बनाना है. कनेक्ट द कॉइल वन हैविंग लेसर लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज विद अ बैटरी एंड प्लग की. तो यहाँ पर जो कॉइल वन है जिसमें लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एक बैटरी एंड की के साथ अरेंज करना है. ऑल्सो कनेक्ट द कॉइल टू विद अ गैल्वेनोमीटर एज शोन. एंड जो कॉइल टू है उसके साथ क्या अटैच करना है, गैल्वेनोमीटर. प्लग इन द की, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल. तो यहाँ पर जो की प्लग करने के बाद गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो हो रहा है क्या, सॉरी. You will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quick returns to zero, indicating a momentary current in coil 2. So, यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा की ऑन करने के बाद, तो गैल्वेनोमीटर में क्विक मूवमेंट दिखेगा, जिससे कि वो क्या होगा, एक साइड पे डिफ्लेक्ट होकर वापस से स्टेटिक हो जाएगा. दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज वॉज अ मोमेंट्री करंट इन कॉइल 2. डिस्कनेक्ट कॉइल 1 फ्रॉम द बैटरी. यू विल ऑब्जर्व द नीडल मोमेंट्रीली मूव्स बट टू द ऑपोजिट साइड. एंड जब करंट को रिमूव कर देंगे तब क्या ऑब्जर्व करोगे, कि यहाँ पर जो नीडल है वो मूव करती है बट टू द ऑपोजिट साइड. इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन कॉइल 2. इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट जो है वो कॉइल 2 में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा. इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट एज सून एज द करंट इन कॉइल 1 रीचेस आइदर अ स्टेडी वैल्यू और 0, द गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन. तो जब करंट की कोई स्टेडी वैल्यू आ जाती है, स्टेटिक वैल्यू या फिर 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करता है. बट करंट जब फ्लो हो रहा है, सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है. From these observations, we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing. तो क्या होगा इस ऑब्जर्वेशन से, हो क्या रहा है कि जो सेकेंड कॉइल है ना, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस की इंड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है जैसे ही करंट फ्लो होने लगता है यहाँ पर. एंड ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, कॉइल 1 से फ्लो हो रहा है. बट जैसे ही ये करंट चेंज होगा, सो यहाँ पर जो पोटेंशियल इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है. कॉइल 1 इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल. एंड यहाँ पर जो दो है, सो वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with also changes. And जैसे कि first coil में क्या है, current change होता है ना, तो जो magnetic field associate होगी वहां से वो भी change होने लगती है. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil also changes. इसीलिए जो magnetic field lines होती हैं वो भी change होती हैं. Hence, the change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of the induced electric current in it. क्योंकि यहाँ पर जो second coil में magnetic field lines produce होती है ना, उसकी वजह से ही current induced हो रहा है and potential induced हो रहा है. So, यहाँ पर coil 1 में जो कभी current का effect होगा, वो directly किसको affect करेगा? Coil 2 पे जो induced potential है and induced magnetism है.
This process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called the electromagnetic induction. And ये जो process है ना जिसमें कि magnetic field change होने की वजह से conductor में current induce हो रहा है उसको ही बोलते हैं क्या electromagnetic induction. And यहाँ पर एक चीज अगर आप ध्यान दो coil 2 में जो भी changes आ रहे हैं जो भी magnetism induce हो रही है वो coil 1 की वजह से हो रही है. तो with the help of another conductor there is a change in the magnetic field of one conductor. In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. So, हम generally current को कैसे induce कर सकते हैं? या तो moving magnetic field में रख दिया जाए उस coil को या conductor को या फिर उस conductor के around magnetic field change किया जाए जिससे कि current जो है वो induce हो जाता है. It is convenient in most situations to move the coil in magnetic field. And सबसे ज़्यादा convenient क्या होता है? Magnetic field में किसी भी coil को move करना जिससे कि जो current है वो induce हो जाए. The induced current is found to be highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field. जब coil का जो direction of motion है वो magnetic field के right angle में होता है उस time पर जो induced current है वो highest होगा. In this situation we can use a simple rule to know the direction of the induced current. एंड इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल रूल का यूज होता है इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए. स्ट्रेच थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर 13.18. सो यहां पर भी क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है जिसमें भी आपको क्या करना है? थंब मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होल्ड करना है. इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट. सो यहाँ पर भी वही सेम है, बस करेंट रिप्लेस हो गया है इंड्यूस्ड करेंट से. सो फोर फिंगर जो है वो क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड. थंब शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, वहां पर क्या शो कर रहा था? मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स. एंड जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट शो करती है. दिस सिंपल रूल इज कॉल्ड द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. एंड ये जो सिंपल रूल है यही क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जस्ट लाइक द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्लियर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे ना वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों है? बिकॉज जो माइकल फैराडे ने लॉ दिया हुआ है उसके बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है? करंट जनरेट होता है. एंड करंट जो है वो इंड्यूस होता है. करंट इंड्यूस कैसे होता है? बिकॉज पोटेंशियल इंड्यूस होता है. क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल. सो करंट इंड्यूस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्या हो सकते हैं? वेज हैं. तो यहाँ पर उन्हीं वेज के बारे में पूछा हुआ है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना कि जो डिफरेंट वेज हैं वो है, फर्स्ट वन हो जाता है कि इफ कॉइल इज मूव्ड रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस होगा कॉइल में. एंड सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? जब मैग्नेट को कॉइल के रिलेशन में मूव कर रहे हैं सो इलेक्ट्रिक करंट उस कंडीशन में क्या होगा? कॉइल में इंड्यूस होगा. तो आइदर द कॉइल इज मूव्ड और द मैग्नेट इज मूव्ड, करंट विल बी इंड्यूस. तो दोनों में से एक कोई मूविंग होगा. अगर दोनों स्टेटिक हो जाते हैं सो उस कंडीशन में जो करंट है वो जीरो हो जाता है एंड गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है. बट जब कॉइल मूविंग है या फिर मैग्नेट मूविंग है उस कंडीशन में क्या है? गैल्वेनोमीटर वैल्यू शो करता है, कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है. एंड उसी से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि देयर इज इंड्यूस्ड करंट. कमिंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में हम देखते हैं ये कैसे डिवाइस होते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड हैं एंड ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करते थे? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे थे. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं इसमें इसका रिवर्स होता है एंड वर्क किस पे करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेनन पे वर्क करते हैं. सो द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल. तो अभी हम जो देख रहे थे कि कई सारे एक्सपेरिमेंट जहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था बिकॉज ऑफ द मूविंग कॉइल और मूविंग मैग्नेट, जो कि स्मॉल था, इंड्यूस करंट का अमाउंट जो उससे प्रोड्यूस हो रहा था वो काफी स्मॉल था. सो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री. तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्रिंसिपल है ना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने का वो लार्जर स्केल पे भी यूज होता है होम्स एंड इंडस्ट्रीज में. इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसमें
मैकेनिकल एनर्जी से कॉइल को या जो कंडक्टर है वो रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में एंड उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन फिगर 13.19 कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट. सो यहाँ पर भी क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट है जिनके बीच में एक कॉइल प्लेस्ड है. द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द रिंग्स R1 एंड R2 एंड ये जो कॉइल्स के एंड हैं वो R1 एंड R2 रिंग्स से अटैच्ड होते हैं. द इनर साइड ऑफ द रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड एंड रिंग की जो इनर साइड है वो इंसुलेटेड है एंड वो कनेक्टेड है एक्सिल से. The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on the rings R1 and R2 respectively and B1 brush पे R1 रिंग एंड B2 ब्रश पे R2 रिंग. सो इस टाइप से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एंड ये क्या है, स्टैटिक रहते हैं. द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच्ड टू द एक्सिल एंड R1 R2 जो रिंग होती है वो एक्सिल से अटैच्ड होती है इंटरनली. द एक्सिल मे बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. आप क्या करते हैं, एक्सिल को मैकेनिकली रोटेट करते हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये कॉइल क्या करने लगे, रोटेट करने लगे. Outer ends of the brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in the given external circuit. So, ये जो external circuit है यहाँ पर B1 and B2 क्या है, galvanometer से attached होते हैं जिससे जो current flow produce होगा and current flow होगा ना जब तो galvanometer में reading show होगी. When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up and arm CD moves down. So, अब axle कैसे attached है दो rings से, so यहाँ पर क्या होगा, arm AB जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है एंड सीडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. सो इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट, लेट अस से द कॉइल ABCD इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट. अब जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है एंड सीडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है सो यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करेंट्स आर सेट अप इन दीज आर्म्स along the direction AB and CD. So, जब ये रोटेट करने लगेगी कॉइल तो उसमें क्या होगा, करेंट इंड्यूस्ड होगा कॉइल में. Thus, an induced current flow in the direction ABCD and इसलिए जो induced current है वो भी ABCD direction में flow होगा. If there are larger number of turns in the coil, the current generated in each turn adds up to give a larger current through the coil. अभी यहाँ पर अगर large number of turns होते हैं तो current भी जो है हर एक turn में अलग होगा and वो add up होके क्या हो जाता है, current की value को increase कर देता है. This means that the current in the external circuit flows from B2 to B1 एंड इसीलिए क्या है, करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां फ्लो होता है, B2 डायरेक्शन से B1 डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है. बिकॉज यहां पर जो फील्ड लाइंस में जो फोर्स का डायरेक्शन है उसकी बेसिस पे करंट का डायरेक्शन आया. सो करंट डायरेक्शन कहां पर आ रहा है, CD से एग्जिट होता है, दैट इज अवर B2 का ब्रश पे आता है. So we were here, after a half rotation arm CD starts moving up and AB moving down. So CD की प्लेस जो फर्स्ट टाइम के बाद चेंज हुई थी तो उसके बाद क्या होगा, CD आ गया यहाँ पर एंड AB था ये. सो CD क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड AB जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन DCBA एंड जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो अभी ABCD से रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, DCBA. पर द करेंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 to B2 एंड इस कंडीशन में क्या होगा, बट करेंट जो हो रहा है वो तो B1 से B2 ही फ्लो होगा. दस आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द करेंट इन द रेस्पेक्टिव आर्म्स चेंजेस. तो पोलैरिटी जो रहती है ना करेंट की वो अलग अलग आर्म में चेंज होने लगती है. सच अ करेंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करेंट. एंड ऐसा जो करेंट है ना वो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपना डायरेक्शन चेंज करता है. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट एंड इसको AC से एब्रीविएट करते हैं. दिस डिवाइस इज कॉल्ड AC जनरेटर एंड जो इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं कि जहां पर क्या हो रहा है डायरेक्शन जो है वो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होता है उनको बोलते हैं AC जनरेटर्स. टू गेट अ डायरेक्ट करेंट DC
which does not change its direction with time, a split ring type commutator must be used. And अगर direct ring चाहिए, direct current चाहिए होता है ना, DC generators जो होते हैं उनमें क्या होता है, split rings या जो commutator है वो use किए जाते हैं. With this arrangement, one brush is at all times in contact with the arm moving up in the field, while the other is in contact with the arm moving down. We have seen the working of a split ring commutator in case of electric motor. So, electric motor के case में हमने देखा कि split ring और commutator कैसे work करते हैं, तो वही कब रिक्वायर्ड होते हैं, जब हमें डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस अरेंजमेंट में क्या होगा, जो एक ब्रश है वो हमेशा ही एक ऐसे आर्म से कनेक्टेड होए जो फील्ड में मूव कर रहे हैं, एंड जो अदर आर्म होता है वो किसके कॉन्टैक्ट में होता है, वो मूविंग आर्म के कॉन्टैक्ट में है, जो कि आर्म डाउनवर्ड मूव कर रहा है. सो हर एक टाइम पे जो एक ब्रश है या फिर जो स्प्लिट रिंग है वो किससे कनेक्ट होती है, स्प्लिट रिंग विल ऑलवेज बी कनेक्ट, वन विल बी कनेक्टेड टू द कॉइल दैट इज मूविंग अपवर्ड एंड द अदर विल बी मूविंग टू द कॉइल दैट इज मूविंग इन विच द करेंट इज मूविंग डाउनवर्ड. सो उस कंडीशन में क्या होगा, हर एक सेमी सर्कल के बाद और हाफ रोटेशन के बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, दैट इज वाई वहां पर क्या होगा, डीसी करंट होता है. दस अ यूनिडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस्ड, द जनरेटर इज कॉल्ड अ डीसी जनरेटर. तो डीसी जनरेटर में क्या है, करंट यूनिडायरेक्शनल है, बट एसी जनरेटर्स में करंट क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यहां से ऊपर भी जा रहा है एंड ये सीधी आर्म में रिवर्स आ रहा है. द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द अल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, व्हेयरएज द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली. तो डायरेक्ट डीसी करंट के केसेस में क्या होता है, करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट एसी करंट के केसेस में ए बी कॉइल में जब यहां पर है तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड जब वो अपना पोजिशन चेंज कर लेती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है. इन इंडिया एसी changes direction after every 1/100 seconds, that is the frequency of AC is 50 hertz. तो इंडिया में क्या होता है, जो एसी करंट है वो हम हर 1/100 सेकंड के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, एंड इसीलिए जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है. एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, एंड डीसी करंट के ऊपर एसी जो करंट है उसका एक एडवांटेज है कि जो इलेक्ट्रिक पावर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेती है एंड उसमें एनर्जी लॉस जो है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू द डीसी जनरेटर. इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं. अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होगा, जिसमें डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होता है, एंड इंडिया में मोस्ट ऑफ पावर स्टेशंस है ना वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करते हैं, एंड इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है 1/100 सेकंड के बाद चेंज होता है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज. एसी करंट क्या है, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसमिट होता है, एंड उसमें कम लॉस ऑफ एनर्जी होता है. डीसी करंट की अगर बात की जाए तो करंट जब वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो हो गया डायरेक्ट करंट. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो जनरली डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो डिसएडवांटेज हैं या फिर हम बोल सकते हैं डीसी करंट के डिसएडवांटेज हैं, उनमें क्या है कि लेस डेंजरस देन एसी, क्योंकि एसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एंड डीसी जो है डायरेक्ट करंट जो होता है वो कम डेंजरस होता है. उसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज नहीं हो पाता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करते हैं वहां पर भी क्या है, पोलैरिटी रिवर्स होती है उस कंडीशन में भी, तो वहां पर भी क्या है, एसी करंट यूज नहीं कर सकते जिसमें पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होता है. सो वहां पर भी क्या है, डायरेक्ट करंट यूज होता है. तो ये हो गया क्या एसी एंड डीसी के बारे में. अभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है उनको हम यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल है जो मूव करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या हो जाते हैं, डीसी जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. थर्ड वन इज विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट. तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कहाँ से होता है, पावर प्लांट्स एंड एसी जनरेटर्स जो हैं वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं. देन फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच. सो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर की जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है, उसमें डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट का वो चेंज होता है.
सो कहाँ पर कब चेंज होता है आफ्टर इन ईच टू रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन और वन फोर्थ रिवॉल्यूशन. तो हाफ रिवॉल्यूशन जो है दैट मीन्स कि सी डी एंड ए बी अपनी प्लेसेस जब रिवर्स कर लेती हैं उसमें ही क्या है करंट जो है वो इंड्यूस होता है कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कब चेंज होता है इन ईच हाफ रिवॉल्यूशन एंड एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ करंट जो कॉइल है कॉइल में वो सेम रहता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट के केस में क्या होगा कि ए बी में जब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट सो यहाँ पर भी जब हाफ रोटेशन के बाद सेम डायरेक्शन में ही इस साइड पर करंट जो है वो फ्लो होगा. दैट मीन्स कि हाफ रिवॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या है जो हमारे घरों में एंड इन जनरली होम्स में जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होते हैं. In our homes, we receive supply of electric power through our main supply, also called mains. So, homes में जो electricity supply होती है वो किसके through होती है? Mains के through होती है. Main, जो main principal electrical supplier बोल सकते हैं, either supported through overhead electric poles or by underground cables. And वो किससे supported होता है? या तो overhead electric poles लगे होते हैं and या फिर उसके अलावा कई सारी places पर underground cables भी arranged होने लगे हैं. One of the wires in this supply usually with red insulation cover is called live wire or positive. And ये जितने भी wires होते हैं ना इस electrical supply के time पे तो उनमें से एक red wire का red insulation वाला wire होता है जो कि क्या है live wire बोलते हैं and वो positive होता है. Another wire with black insulation is called neutral wire or negative. And जो दूसरा black color wire होता है वो क्या होता है negative या फिर neutral wire. In our country the potential difference between the two is 220 volt. And India में जो potential difference है ना वो कितना है 220 volt होता है. At the meter board in the house there these wires passes into the electricity meter through a main fuse. And meter board जो है रहता है ना घर में उनमें ये इलेक्ट्रिक वायर्स कहाँ से एंटर होते हैं इलेक्ट्रिक मीटर में मेन फ्यूज के थ्रू एंटर होते हैं. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस एंड मेन स्विच के थ्रू ही वो जो हाउस की डिफरेंट लाइन वायर्स होते हैं उनसे अटैच्ड हो जाते हैं. दीज वायर्स सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस एंड घर की जो सेपरेट सर्किट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं. ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज एंड जनरली क्या होता है दो सेपरेट सर्किट यूज होती हैं. वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेज विथ हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर्स एयर कूलर्स एक्सेट्रा एंड द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब्स फैंस एक्सेट्रा. एंड जनरली दो पावर रेटिंग के वायर्स जो हैं सर्किट्स हैं वो बनाए जाते हैं. एक 15 एम्पियर करंट फ्लो होता है जिसमें जो कि हायर पावर रेटिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज होता है एंड एक जो सर्किट है वो 5 एम्पियर करंट है जिसमें कि लोअर पावर रेटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए बनाई जाती है सर्किट. द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस. एंड एक जो ग्रीन कलर का वायर होता है ना वो अर्थिंग के लिए होता है एंड वो कहाँ ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है उसमें एंड एक प्लेट के थ्रू अटैच होता है अर्थ में. और जहाँ पर भी हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें पहले ही ये अर्थिंग का जो वायर है वो बनाया जाता है. दिस इज यूज एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेज दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस टोस्टर टेबल फैन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा. एंड ये जो अर्थिंग वायर है ना ये किस लिए यूज होता है मेनली जो भी इक्विपमेंट्स मेटेलिक बॉडी होती है जिनमें भी वहाँ पर जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज एक क्लोज सर्किट ह्यूमन बॉडी जो है उसमें भी क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है. सो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो हम मेटेलिक बॉडी है एंड हम अपने हैंड से जब टच करते हैं ना सो देयर कैन बी अ चांसेस दैट द इंसुलेशन ब्रेक्स और क्रैक जो रहते हैं ना एंड द बेयर वायर टचेस द मेटल केस. एंड उस केस में क्या होगा जो पर्सन है जो भी उस मेटेलिक अप्लायंसेस को यूज करा है उसको शॉक लग सकता है. एंड इस इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए जो मेटेलिक केसेस होते हैं ना उनको अर्थ्ड किया जाता है. एंड अर्थ करने का मतलब क्या है कि जो मेटेलिक बॉडी है वो एक थिक कॉपर वायर से कनेक्ट है जो कि अर्थ में डीप इनसाइड बरीड है. एंड एट एंड क्या है कॉपर प्लेट लगी हुई है जो कि सराउंडेड है किससे चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर से जो जो शॉक है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करेंट. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliances keeps its potential to that of the earth and the user may not get the severe electric shock.
सो जो मेटेलिक बॉडी है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड होगी जो कि लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड करंट के पाथ में. इससे क्या होगा कि जो लीकेज ऑफ करंट अगर हो रहा है ना मेटेलिक बॉडी में, सो वो उस अर्थिंग वायर के थ्रू चला जाता है इन द अर्थ एंड उससे जो यूजर है उसको सीवियर शॉक से बच जाता है. फिगर 13.20 गिव्स अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट. यहाँ पर जो 13.20 फिगर है ना, इसमें एक डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम की इस फॉर्म में अरेंज होता है वो गिवन है. सो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ये अर्थ वायर ग्रीन कलर का, लाइव वायर जो रेड कलर का एंड न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का यहाँ पर गिवन है. सो इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज से पास होके ये क्या है रेड वायर एंड जो ब्लैक न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से पास होते हैं इलेक्ट्रिक मीटर में कनेक्ट होते हैं एंड देन वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें कि सेवरल स्विचेज ऑफ फ्यूज होते हैं हर एक सर्किट के लिए वो यहाँ पर अरेंज होता है. एंड जो अर्थिंग वायर है वो डायरेक्टली मेन्स जो पावर सप्लाई जहाँ से हो रही है ना फॉर द इंडिविजुअल अप्लायंसेस उसके थ्रू ही कनेक्टेड होता है. ये जो फ्यूज अर्थ वायर है ना वो इलेक्ट्रिक मीटर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज से कनेक्ट नहीं होता है, बट जहाँ से भी हमें मेटेलिक इक्विपमेंट अप्लायंसेज लगते हैं ना वहाँ पर ये कनेक्टेड होता है. सो इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेज कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस अ लाइव एंड न्यूट्रल वायर. तो हर एक जो सेपरेट सर्किट है ना उसमें क्या है डिफरेंट अप्लायंसेज कनेक्ट होते हैं लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पर देखो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों है. ईच अप्लायंसेज हैज अ सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट एंड हर एक अप्लायंसेज का अगर वो फैन है या ट्यूबलाइट है सबका क्या है स्विच अलग अलग होता है ऑन ऑफ करने के लिए. इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर एंड इन केस जो हर एक अप्लायंसेज है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो उनको क्या है पैरेलली अटैच कर दिया जाता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर बात करें तो डोमेस्टिक सर्किट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. वी हैव ऑलरेडी स्टडी द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जब हमने पढ़ा तब हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी. अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग होने की वजह से जो सर्किट प्रिवेंट हो जाती है सर्किट डैमेज हो जाती है उससे प्रिवेंट कौन करता है फ्यूज करता है. ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब होता है सो जो इलेक्ट्रिक वायर ओवरहीट होने लगते हैं किसी भी सर्किट में जब करंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो अगर इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन में ओवरहीटिंग होने लगती है एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ ओवर लोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड इससे क्या होगा जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ओवरहीटिंग होगी जिससे कि फायर भी हो सकती है. तो उस कंडीशन में फ्यूज वायर क्या करता है मेल्ट हो जाता है एंड सर्किट को उस पॉइंट पर ब्रेक कर देता है जिससे करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा. ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एंड ओवरलोडिंग कब होती है जनरली लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी ओवरलोडिंग होने के चांसेस हैं. दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंसेज. एंड ये और इसके और भी कंडीशंस हैं जब इंसुलेशन होती है जो वायर की प्लास्टिक कवरिंग और वो खराब हो जाती है या फिर किसी अप्लायंसेज में फॉल्ट हो जाता है. इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज एंड इस कंडीशन में क्या होगा जो करंट है वो ज़्यादा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग एंड उस कंडीशन में जो फॉल्ट होके स्पार्क दिखता है एंड लाइट वायर में ब्रेकेज हो जाता है उसको ही बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. एंड क्या होता है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करके इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो भी डैमेज हो रहा है या फिर अप्लायंसेज में शॉर्ट सर्किटिंग होती है उससे बचा जा सकता है. द जूल्स हीटिंग लॉ दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड जो जूल्स हीटिंग लॉ है जिसमें एक्सेस करंट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है वायर मेल्ट हो जाता है उससे इस टाइप के एक्सीडेंट से बचा जा सकता है. ओवरलोडिंग कैन कॉज कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज. एंड ओवरलोडिंग कब भी होती है जबकि वोल्टेज सडनली इंक्रीज हो जाता है. समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट. एंड कई बार ओवरलोडिंग एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेज कनेक्ट करने से भी हो जाती है. सो ये तो हुआ क्या डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में कि फ्यूज कैसे फ्यूज वायर का क्या इंपॉर्टेंस है शॉर्ट सर्किटिंग कैसे हो रही है ओवरलोडिंग क्या था देन उसके बाद कनेक्शन किस टाइप से होता है. सो इस
चैप्टर में हमने ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में मिलती है कि आपके घर में जब अप्लायंसेस लगे हुए हैं तो कहाँ पर कैसे अप्लायंसेस को लगाना है, एक ही स्विच पर बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं लगाना है, करंट जब फ्लो हो रहा है क्या सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, आपके घर में कौन सा करंट आता है. तो ये सारा कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना बेसिक सा, वो हमें चैप्टर के थ्रू मिल रहा है. सो यहाँ पर चैप्टर की रीडिंग एंड होती है. उसके बाद हम पहले इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन हियर, एंड उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी एंड कुछ एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी. क्लियर है? सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेज. तो सेफ्टी मेजर्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेज में लेने होते हैं वो क्या है? द सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर, फर्स्ट वन इज फ्यूज एंड सेकेंड वन इज अर्थिंग. फ्यूज में क्या है कि ईच सर्किट जो है वो फ्यूज से कनेक्टेड होगी, एंड फ्यूज क्या करता है, जो एक्सेसिव करंट फ्लो होता है ना उससे सर्किट को प्रिवेंट कर लेता है. जब उस अप्लायंसेस के थ्रू क्या होगा, करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर जाता है, तो फ्यूज जो एलिमेंट है ना वो मेल्ट होता है एंड करंट का फ्लो को स्टॉप कर देता है. एंड अर्थिंग के केस में क्या होगा, जब किसी कहीं भी लीकेज हो रहा है करंट का या फिर जो वायर की इंसुलेशन होती है वो ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन में अर्थिंग क्या करती है, यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर लेती है, क्योंकि वहां पर जो करंट है वो ट्रांसफर हो जाता है बाय टू द ग्राउंड बाय अर्थिंग वायर, एंड जो लोग कोई भी पर्सन यूज कर रहा है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरा फ्लो हो जाता है थ्रू दिस ग्रीन वायर टू द अर्थ. तो यहाँ पर दो सेफ्टी मेजर्स जो है वो हो गया फ्यूज एंड अर्थिंग. सेकेंड वन है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलो वाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, वॉट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट. सो जब करंट ड्रॉ होगा ना इलेक्ट्रिक ओवन में वो कैसे कैलकुलेट होगा? पावर गिवन है एंड पोटेंशियल गिवन है. हमें पावर का फॉर्मूला पता है, वी आई होता है. सो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, पी अपॉन वी. सो यहाँ पर पावर कितना गिवन है, 2 किलोवाट है, दैट मीन्स कि 2000 वॉट हो गया, बिकॉज ये जो यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसलिए इसको भी हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. एंड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 220. सो इससे जो आंसर आ रहा है ना वो आ गया क्या, करंट की वैल्यू इन एम्पियर. That means कि जो करंट ड्रॉ हो रहा है ना इलेक्ट्रिक ओवन से वो कितना है, 9.09 एम्पियर. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.09 एम्पियर. एंड ये दैट इसका मतलब क्या होगा ना कि अगर करंट जो है 9.09 एम्पियर से एक्सीड कर रहा है सेफ लिमिट ऑफ करंट से, जिससे कि जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट होने लगेगा एंड सर्किट को ब्रेक कर देगा, बिकॉज यहाँ पर करंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यहाँ पर सिंपली क्या है, जो करंट ड्रॉ हो रहा है ना इलेक्ट्रिक ओवन से हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं. अब जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो किससे आया, जो नॉर्मल वैल्यू है 5 एम्पियर की उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब 5 एम्पियर को एक्सीड कर रहा है, सेफ लिमिट जो है 5 एम्पियर उसको एक्सीड कर दिया. इससे क्या हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट होगा एंड सर्किट ब्रेक होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? सो फर्स्ट वन इज कि जो एक ही सिंगल सॉकेट से बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने से क्या होगा, ओवरलोडिंग है, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए. सेम टाइम पर बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करने से भी क्या होता है, पोटेंशियल एंड जो ओवरलोडिंग है उसके चांसेस हैं, एंड उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में, दैट इज वो भी अवॉइड करना है. एंड जो फॉल्टी अप्लायंसेज होते हैं जहाँ पर कि इंसुलेटिंग कवरिंग है वायर से वो रिमूव हो जाती है या फिर करंट लीक होने के चांसेस हैं, सो ऐसे इक्विपमेंट्स को भी अप्लायंसेस को नहीं यूज करना चाहिए या फिर सर्किट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, पूरी सर्किट डैमेज हो सकती है. क्लियर हुआ? यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन. आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ रीजन वाई टू सब्सक्राइब अन अकेडमी कोर्सेज? सो लेट मी टेल यू, देन यू कैन गेट लाइव क्लासेज, लाइव क्विजेज इन जस्ट वन सब्सक्रिप्शन. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब अन अकेडमी कोर्सेज बाई यूजिंग अवर रेफरल कोड ENRICH10. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? सो स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए यहाँ पर क्या पॉइंट करेक्ट है? फर्स्ट वन इज, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर. तो फील्ड जो है उसमें स्ट्रेट लाइन्स होती हैं जो कि वायर के परपेंडिकुलर है. सेकेंड वन इज, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर. सो परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं, पैरेलल भी नहीं होते. थर्ड वन इज, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ
रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर. सो जो लाइंस है ना वो क्या है, रेडियल लाइंस तो ठीक है बट वायर से ओरिजिनेट नहीं होते हैं. एंड लास्ट वन इज द फील्ड लाइंस कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर. सो वायर को सेंटर्ड करते हुए कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं किसी भी एक स्ट्रेट वायर जो कि करंट कैरिंग कर रहा होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया डी, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है. एंड उन कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर होता है, वायर पे होता है. सो आंसर डी इज करेक्ट. सेकेंड वन इज द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन क्या है? फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. सो नॉट एट ऑल बॉडी को चार्ज करने का फिनोमिनन तो है ही नहीं. सेकेंड वन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल. सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. थर्ड वन इज producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. So third option is current, because electromagnetic induction में क्या होता है, moving current होने moving coil और moving magnet की वजह से magnetic field में change होता है and उससे ही क्या है current जो है वो induced होता है. तो option 3 is correct. Let's see the fourth option also, the process of rotating a coil of an electric motor. So this is not the fact, but actual jo fact hai electromagnetic induction se related, induced current ka production. And induced current kab produce hota hai, jab magnet ya coil ke beech mein relative motion hota hai. Third one is the device used for producing electric current is called a electric current produce karne ke liye jo device use hoti hai wo kya hoti hai, generator. To device kya kar rahe hai, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है. फोर्थ वन इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर इज दैट एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर के बीच में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वन इज एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट. नो, इट इज नॉट द डिफरेंस. डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज. इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बट जो मेन एसेंशियल डिफरेंस से वो फोर्थ पॉइंट है, एसी जनरेटर हैज अ स्प्लिट रिंग्स व्हाइल डीसी जनरेटर हैज अ कम्यूटेटर, जो कि यहां पर क्या करता है, करंट को रिवर्स करने का वर्क करता है. एंड दैट इज वाई एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर में मेन डिफरेंस है, जिसमें कि डीसी में क्या होता है, करंट चेंज नहीं होता है हर एक इंटरवल पे करंट का डायरेक्शन. बट एसी जनरेटर में करंट का डायरेक्शन हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होने लगता है. तो एसी जनरेटर में दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं स्लिप रिंग के फॉर्म में, एंड डीसी जनरेटर्स में जो है टू हाफ रिंग होती हैं जिनको बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर. तो वही इन दोनों का मेन डिफरेंस है. देन नेक्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट. शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या होता है, रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस हैवीली. सो आंसर इज इंक्रीजेस हैवीली. करंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो नेकेड वायर है ना, जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऐसे वायर जिनका इंसुलेशन ब्रेक है, तो जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो करंट जो फ्लो हो रहा है ना सर्किट में वो इंक्रीज हो जाता है एब्रप्टली, एंड उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट है. तो आंसर सी इज करेक्ट. Then fourth, then next sixth question is state whether the following statements are true and false. So यहाँ पर true false बताना है. First one is an electric motor converts mechanical energy into electrical energy. It is false, because electric motor क्या कर रहा है, it converts electrical energy into mechanical energy. Clear है ना. तो यहाँ से इसका reverse होता है electric motor में. Second one is electric generators works on the principle of electromagnetic induction. So it is true, electromagnetic induction के principle पे work करते हैं. Magnetic field में जब coil को rotate किया जाता है, ये poles के around magnetic field है, बीच में magnetic field है, and यहाँ पर जब coil को rotate करते हैं so उससे current induced होता है. तो ये हो गया electromagnetic induction on which electric generator works. Third one is the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. सो सर्कुलर कॉइल के बीच में सेंटर में जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल हैं. तो ये भी होता है ट्रू, बिकॉज लॉन्ग सर्कुलर कॉइल जो है ना वो क्या हो जाता है, सोलेनॉइड है, एंड उसमें जो इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइंस है वो पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं. फोर्थ वन इज अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई. इट इज फॉल्स, बिकॉज लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है एंड ग्रीन वायर जो है वो क्या है, इट इज फॉर अर्थिंग. इसीलिए यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. बट हमें ट्रू स्टेटमेंट भी पता है कि आइदर द टू इज चेंज्ड बाय दीज टू देन इट विल बी करेक्ट. देन
Coming on to the next subjective type question, first one, seventh question is list two methods of producing magnetic field. Magnetic field produce करने की two methods यहाँ पर पूछी हुई है. तो first one will be कि यहाँ पर permanent magnet का अगर हम use करते हैं तो उससे क्या है magnetic field produce होती है and वो कैसे visualize की जा सकती है. Iron filings को एक white paper पे हम अगर spread करें and वहाँ पर क्या करें पेपर के नीचे मैग्नेट रख दे परमानेंट मैग्नेट, तो उसके थ्रू क्या है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्या होगा ना आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे. सेकेंड वन इज कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो होता है स्ट्रेट वायर और कंडक्टर वो भी क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के और कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सोलेनॉइड है या फिर सर्कुलर लूप है, वो भी क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. सो काफी सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर होते हैं जो करंट की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एट इज हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एक्सप्लेन. जो सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है या एंड देन उसके बाद बताना है कि क्या आप नॉर्थ एंड साउथ पोल जो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसमें बार मैग्नेट की हेल्प से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है. तो फर्स्ट थिंग इज सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग कॉइल है सर्कुलर लूप का जिसमें कि इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ है. जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्रोड्यूस हो रही है सोलेनॉइड के अराउंड जब करंट पास होता है एंड इससे क्या होता है सिमिलर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जैसे कि बार मैग्नेट के अराउंड होती है जब करंट पास होता है. तो यहाँ पर चैप्टर में हमने जो देखा था ना सोलेनॉइड का केस, वहाँ पर फिगर में क्लियरली शो होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सेंटर में यूनिफॉर्म होती है एंड यूनिफॉर्म सेंटर फील्ड जैसे कि बार मैग्नेट में होती है. सो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, जब नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. अब जब इसको क्या कर दिया है नॉर्थ साइड से ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जब हम नॉर्थ साइड पर बार मैग्नेट को लेके जाते हैं ना तो सोलेनॉइड क्या करता है बैटरी को रिपेल करने लगता है एंड एज लाइक वोल्स रिपेल ईच अदर वी कैन इन्फर दैट द एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज नॉर्थ पोल. एंड सेम हम साउथ पोल के साथ कर सकते हैं कि बाय इफ वी ब्रिंग द साउथ पोल नियर दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहाँ पर अगर रिपल्शन शो होता है दैट मीन्स कि द पॉइंट दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज बिहेविंग एज द साउथ पोल. सो यहाँ पर कैसे करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि पोल कौन सा है एंड सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है. इसके लिए भी क्या करेंगे जब मैग्नेट को उस सोलेनॉइड के क्लोजर लेके जाएंगे तो वहां पर अगर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का फिनोमिनन शो हो रहा है दैट मीन्स कि सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट है एंड अगर वो मैग्नेट नहीं होगा तो अट्रैक्शन रिपल्शन फिनोमिनन एंड उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होने की कंडीशन ही नहीं आएगी. क्लियर हो गया ना. Then ninth one is when is the force experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field largest. तो किसी भी एक current carrying conductor में सबसे ज्यादा force जो है वो कब experienced होता है. तो जब जब डायरेक्शन है करंट का वो क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है उस कंडीशन में जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है. तो फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा सो क्या होगा फोर्स भी मैक्सिमम होगा और लार्जेस्ट होगा. क्वेश्चन टेंथ इज इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स अ फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड. सो इमेजिनेशन करना है यहाँ पर कि आप एक चैम्बर में बैठे हुए हो जिसमें बैक साइड पर एक वॉल है एंड इलेक्ट्रॉन की बीम मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द वॉल टू द फ्रंट वॉल एंड यहाँ पर क्या हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन बीम जब मूव कर रही है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड पर. यहाँ पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. सो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ना उसके ऑपोजिट होगा क्या करंट का डायरेक्शन एंड यहाँ पर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू जब हमें इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेन मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड फोर्स जो अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स की जो मोशन हो रहा है. सो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जब बैक साइड से फ्रंट साइड है तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा करंट का डायरेक्शन. सो करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है फ्रॉम द फ्रंट वॉल टू बैक साइड वॉल. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो किसके परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होता है करंट के परपेंडिकुलर होता है. दैट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आइदर डाउनवर्ड होगी या फिर अपवर्ड होगी, क्योंकि करंट क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट वॉल टू बैक वॉल बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दैट आर मूविंग फ्रॉम द बैक साइड टू द फ्रंट साइड. तो जो डायरेक्टेड मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, राइट साइड है. अब जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हो ना, एंड उसमें क्या कर रहे हो आप, थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर रहे हो. तो फोर फिंगर शो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है. मिडिल फिंगर से क्या शो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो यहाँ पर अगर हम ये डायरेक्शन करें, करंट का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया मोशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स द डाउन साइड. तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. करंट का डायरेक्शन क्यों रिवर्स हो रहा है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऑपोजिट साइड होता है, एंड उससे ही कंक्लूजन निकाला हमने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे. नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. सो इलेक्ट्रिक मोटर का जो डायग्राम है वो यहाँ पर गिवन है बुक में, एंड इसके अलावा आप एनरिच माइंड यूट्यूब चैनल पे इसको इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम को सर्च कर सकते हो, जिसमें ईजी वे में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल की. सो प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होते हैं. वर्किंग में क्या आएगा कि जब बैटरी से ये कनेक्टेड होता है ना, तो करंट फ्लो होने की वजह से, जब करंट फ्लो होने लगता है कॉइल में, सो स्विच ऑन करने से हो रहा है करंट फ्लो, सो कॉइल का क्या है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड कॉइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है. बिकॉज अगर हम बुक में जो हमने यहाँ पर वर्किंग पढ़ी हुई है ना, आप उसको एज इट इज फॉलो करो, सो क्या हो रहा है ना कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्योंकि करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट करता है, ए बी कॉइल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एंड सी डी कॉइल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एंड ये क्या है, हाफ राउंड कंप्लीट करेगी. देन उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर जो होते हैं उसकी वजह से करंट जो है वो रिवर्स होगा, एंड देन अगेन ये कॉइल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करने लगती है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करी है, मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट होती है. तो वो आपको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल हमने जो इलेक्ट्रिक मोटर टॉपिक में डिस्कस किया था वो आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाके फिर से एक बार सुन सकते हो, एंड इस आंसर को अपने वर्ड्स में लिखना है. देन द नेक्स्ट इज स्प्लिट रिंग्स और जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है. सो जो हाफ रिंग्स होती है ना वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड. तो कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैंस, वाटर पंप्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, इन इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज होता है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट वन इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर. तो एक गैल्वेनोमीटर से इंसुलेटेड कॉपर वायर कनेक्ट की कॉइल कनेक्टेड है. व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल. अगर उस कॉइल में बार मैग्नेट को पुश करेंगे तो क्या होगा. व्हेन इट इज विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, एंड थर्ड कंडीशन इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल. सो फर्स्ट कंडीशन, जब क्या करें, बार मैग्नेट इज पुश्ड इन टू द कॉइल, तो करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा फॉर अ मोमेंट, एंड उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा. सेकेंड कंडीशन में जब उस मैग्नेट को विथड्रॉ कर रहे हैं तो भी क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा फॉर अ मोमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड वो कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रॉम द प्रीवियस वन. जबकि मैग्नेट को कॉइल के नियर बाय लेके जा रहे थे उसे पता चलेगा कि यहाँ पर करंट तो इंड्यूस हो रहा है फॉर अ मोमेंट बट वो भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. थर्ड कंडीशन में है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, एंड जब कॉइल में उसको स्टेशनरी रखेंगे सो उस कंडीशन में नो करंट विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज दोनों की जो पोजिशन है वो कॉइल की जो पोजिशन है मैग्नेट के रिस्पेक्ट में वो भी स्टेटिक है, एंड मैग्नेट की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल इज ऑल्सो स्टेटिक. देयरफॉर देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, एंड हेंस कंक्लूडेड कि देयर विल बी नो करंट. सो ये तीनों कंडीशन में हमने गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग्स होगी या फिर क्या डिफ्लेक्शन होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड और ऑपोजिट साइड सिंपली वो हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया. 14th क्वेश्चन इज
Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reasons. So, जब two circular coil A and B को place किया है close to each other, so उस condition में क्या है, current जो coil A है उसमें change हो जाता है. So, इसका जो effect है वो क्या coil B पे भी पड़ेगा, कि जो coil B में induced current था उसमें भी change हो रहा है क्या, यहाँ पर reason भी देना है. सो जब कॉइल ए में क्या होगा, करंट चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उससे जो एसोसिएटेड है वो भी चेंज हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बी कॉइल है वो उसमें भी चेंज आएगा. एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो कॉइल बी में जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी चेंज हो जाता है. क्लियर हुआ? सो दोनों जो कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दोनों में क्या है, एक दूसरे का अफेक्ट होता है. सो एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर कॉइल विल चेंज ऑल्सो. ये आंसर भी सिंपल सा है. 15th वन इज स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग करंट, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. यहाँ पर क्या करना है, कुछ रूल्स बताने हैं डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड, स्ट्रेट कंडक्टर जो कि करंट कैरी कर रहा है. सेकेंड वन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर placed in the magnetic field which is perpendicular to it, and third one is current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. सो इन तीनों कंडीशन में हमें डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है. फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, कौन सा रूल यूज हो रहा है. वैसे तो यहाँ पर डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए ना हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे फर्स्ट केस में. फर्स्ट केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. यहाँ पर क्या हुआ ना, जो द रूल दैट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. तो हम यहाँ पर रूल स्टेट करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट में इसमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर है उसके लिए हम क्या देखते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप राइट हैंड को अपना रोल करोगे तो जो थंब है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट, एंड फिंगर का कर्ल जिस भी पोजिशन में होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. देन सेकेंड जो है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट. तो यहां पर इसमें यूज होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बिकॉज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जब आप फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर जो कि आपस में परपेंडिकुलर, दैट मीन्स की स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो यहाँ पर यूज क्या होगा सेकेंड पार्ट में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थर्ड वन इज करंट इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर यूज होता है क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस कंडीशन में होगा राइट हैंड रूल, एंड सिंपली जब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, नॉर्मल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उस कंडीशन में यूज होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है. क्लियर हुआ यहाँ पर तीनों रूल्स को हमने बताया. इसके साथ साथ आप इसमें एक और क्या चीज ऐड कर सकते हो, जो थ्री रूल्स है ना उनका एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग अ लेबल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का क्या बताना है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दे कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये आ जाएगा किसमें, प्रिंसिपल में. वर्किंग में क्या आएगा ना, कि जब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कैसे, कॉइल को रोटेट करने से, दैट इज तो कॉइल रोटेट कर हो रही है जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कॉइल को रख के क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आर्म ए बी एंड सी डी जो हमने यहाँ पर चैप्टर में ही इंक्लूड किया वो कनेक्ट होते हैं ब्रशेस से एंड स्लिप रिंग से, साथ साथ एक्सल होती है एंड गैल्वेनोमीटर होता है. तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम के लिए आप क्या देख सकते हो, एंड इट्स माइन यूट्यूब चैनल पे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम सर्च करोगे आपको इजीली बहुत ही सिंपल वे में मिलेगा. एंड वर्किंग के लिए हमने जहां पर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, लेट्स सी हियर.
सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में हमने वर्किंग डिस्कस की थी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में जब एक कॉइल रखा है एंड वो कॉइल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या है, करंट इंड्यूस होता है. एंड वो करंट जो इंड्यूस है वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग. एंड गैल्वेनोमीटर में रीडिंग का कैसे पता चलेगा, जब ये जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट करता है. एंड यहाँ पर जो ब्रशेज है ना उनका यूज क्या होता है, सो ब्रशेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और कॉम्पोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का. तो ब्रशेज आर कैप्ट प्रेस्ड ऑन टू टू स्लिप रिंग्स सेपरेटली. दो स्लिप रिंग्स जो होते हैं उन पर सेपरेटली ब्रशेज होते हैं. सो आउटर एंड जो रहता है ना ब्रशेज का, वो कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर से. एंड जो ब्रशेज हैं वो क्या करते हैं, करंट को कॉइल से एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. तो ब्रशेज इन शॉर्ट क्या है, अब मेनली जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना उसको मेजर करने में हेल्प कर रहे हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स. तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट किस केस में होता है, जब बहुत सारे अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट से अटैच कर दिया जाए या फिर किसी एक हायर पावर रेटिंग अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया जाए लाइट सर्किट से. एंड इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना सर्किट का वो लो हो जाता है एंड जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है ना वो सर्किट में बहुत हाई होगा. एंड इस कंडीशन में क्या, शॉर्ट सर्किट होती है. एंड उसके अलावा जब लाइव वायर जिसका इंसुलेशन वॉर्न ऑफ हो जाए एंड वो कॉन्टैक्ट आ जाए ब्लैक और न्यूट्रल वायर के, उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो इंक्रीज हो जाता है अब्रप्टली एंड जिससे कि शॉर्ट सर्किट होता है. तो शॉर्ट सर्किट होने के भी दो रीजन हमने यहाँ पर डिस्कस किए. नेक्स्ट वन इज, वॉट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, वाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेज. सो मेटेलिक बॉडी होती है ना जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की, वो अर्थ है, अर्थ हो जाती है अर्थ वायर की हेल्प से. तो फंक्शन हो गया अर्थ वायर का क्या, मेटेलिक बॉडी वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को अर्थ करना. एंड क्यों अर्थ करना है, बिकॉज अगर ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कोई भी लीकेज होता है ना इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, सो वो ट्रांसफर हो जाता है अर्थिंग वायर से टू द ग्राउंड बाय द मीन्स ऑफ अर्थ वायर. तो अर्थिंग वायर से वो क्या रहा है, ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाता है. एंड इससे क्या प्रिवेंट होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना उनके थ्रू किसी भी यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. एंड इसीलिए क्या है, मेटेलिक अप्लायंसेज को अर्थ करना जरूरी है, बिकॉज अगर करंट का लीक होगा सो वो मेटेलिक बॉडी है, दैट मीन्स की कंडक्टिंग बॉडी है, उससे किसी भी पर्सन को और यूजर को करंट और शॉक लगने के चांसेस होते हैं. दैट इज वाई वो जो अर्थिंग वायर है वो क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अर्थ में डीप इनसाइड द अर्थ लेकर चला जाता है. क्लियर हुआ. सो यहाँ पर इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो एंड होते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या है, चैप्टर की समरी एंड देन एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स होते क्या है. सो मैग्नेट क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. अभी इस चैप्टर में हमने एक नई चीज देखी कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है ना, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. एंड वो कैसे आइडेंटिफाई किया और ऑब्जर्व किया, बाय यूजिंग अ कंपास. तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कंपास हम रखते हैं ना, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है एंड दैट शोज कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, सो वो राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ये सारा कुछ है जो चैप्टर में पढ़ा. क्योंकि यहाँ जो देखा हमने कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर जो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, बट इसके अलावा अगर सर्कुलर वायर है, लूप है, कॉइल है, उसके अराउंड में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. मैग्नेट्स के यूजेस क्या होते हैं, और तो मैग्नेट जो है वो रेफ्रिजरेटर्स, रेडियो, स्टीरियो स्पीकर्स, ऑडियो वीडियो कैसेट, चिल्ड्रन टॉयज, हार्ड डिस्क एंड कंप्यूटर में भी यूज होते हैं. मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है कि फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट जो है ना वो हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है. कभी भी आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, तो वो हमेशा ही क्या है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा. जो पोल होती है मैग्नेट की, नॉर्थ डायरेक्शन को हेड कर रही है, दैट इज नॉर्थ पोल. एंड जो साउथ डायरेक्शन को हेड करती है वो क्या हो जाती है, साउथ पोल. मैग्नेट्स में जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, तो सिमिलर पोल्स क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे एंड ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. उसके अलावा आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि किसी एक मैग्नेट में जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसको कितने भी पार्ट में ब्रेकअप करते जाओगे ना, तो उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर इस मैग्नेट को कट कर दिया ना, तो ये सिर्फ हो गया मैग्नेट जिसमें साउथ पोल है एंड ये मैग्नेट हो गया जिसमें नॉर्थ पोल है. कितना भी स्मॉलेस्ट साइज का मैग्नेट होगा उसमें दो पोल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं. देन उसके बाद आता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में. मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, जो मैग्नेट के अराउंड का एरिया होता है ना जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स
ऑफ एक्सपीरियंस किया जाता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये क्या होती है, दैट ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज अ वैक्टर क्वांटिटी. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है. उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो जो इन्फ्लुएंस होता है ना फोर्स का जो मैग्नेट को सराउंड करता है उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना मैग्नेट को वो डिटेक्ट किया जाता है कंपास या फिर एनी अदर मैग्नेट जो भी होते हैं क्या बार मैग्नेट मैग्नेट नीडल उसके हेल्प से. तो उसके थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो जैसे अगर हम यहाँ पर 13.2 में ही देखें नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में अगर यहाँ पर क्या किया आयरन फिलिंग्स ड्रॉप कर दी तो ये एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज हुए हैं. तो जिस पैटर्न में अरेंज हुए हैं ना वही क्या थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो कि एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्लियरली दिखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से होते हैं. उसके बाद होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका डायरेक्शन कैसे होता है. तो आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है वो कहाँ होता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दैट मींस कि वो हमेशा ही नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं एंड साउथ पोल पे आके एग्जिट करते हैं. देन इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल बिकॉज एक सर्कुलर लूप को जो है वो कंप्लीट करते हैं. देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर बात की जाए तो जितना ज़्यादा ये क्लोजनेस होती है ना लाइन्स की उतना ही ज़्यादा क्या होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है. That means the closer the lines, stronger the magnetic field and vice versa. Farther the lines, lesser will be the magnetic field. And crowded field lines जो हैं वो generally कहाँ पर होती हैं, they are near by the poles. And जो जितना ज़्यादा पोल से दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या है फील्ड लाइंस जो हैं वो कम होती जाएंगी. सो सिंपली हम ये बोल सकते हैं जो फील्ड लाइंस है या फिर जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये आपस में कभी ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. देन उसके बाद अगर कन्वेंशन का देखा जाए तो फील्ड लाइंस हमेशा ही नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं इमर्ज होते हैं एंड साउथ पोल में आके मर्ज हो जाते हैं. उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ये तो हमने देखा था सिंपल एक बार मैग्नेट के अराउंड क्या हो रहा है. अब स्ट्रेट कंडक्टर जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं हमेशा ही क्या है सर्कुलर डायरेक्शन में होती हैं. दैट मीन्स कि कंसेंट्रिक सर्कल जो है ना उस डायरेक्शन में हमेशा होते हैं. एंड इसके लिए ही आता है क्या मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कि करंट कैरिंग जो वायर है वो क्या शो हो गया थंब से शो होगा. करंट इज शोन बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड जो फिंगर्स का रोल होता है उसके थ्रू शो होता है क्या डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर. क्लियर हुआ. तो ये था क्या करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. उसके बाद जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती है. एंड यहाँ पर क्या आ जाता है सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो हो रहा है ना तो उसमें क्या होता है कि कंसेंट्रिक सर्कल है बट लूप के सेंटर में आके जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाती हैं बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है पैरेलल लाइन दिखने लगती हैं. तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होती है कि जो जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर स्पेस जो है कम है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. एंड जहाँ पर ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है एंड सेंटर से और ये जो लूप है वहाँ से दूर होते जाते हैं तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है. उसके बाद आता है सर्कुलर लूप के बाद आता है सोलेनोइड. सोलेनोइड में क्या करते हैं कॉपर वायर को एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर के अक्रॉस रैप कर देते हैं एंड उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर वे में अरेंज होती हैं जैसे कि बार मैग्नेट में. एंड ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, जैसे कि अगर आप इसके अराउंड क्या करो एक वाइट पेपर या कार्डबोर्ड रख के उस पर आयरन फिलिंग्स डालोगे ना तो इस पैटर्न में जो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगी जिससे हमको पता चल जाता है क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो एक सोलेनोइड क्या है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इसके लिए हमने क्वेश्चन आंसर में भी एक आंसर नोट डाउन किया है. एंड देन उसके बाद जो है क्या आता है कि एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड है में है तो वो फोर्स एग्जर्ट भी करते हैं. एंड फोर्स एग्जर्ट जब वो कर रहा है दैट मींस कि क्या है वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है तो थंब क्या शो करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है. उसके बाद यहाँ पर कुछ डिवाइसेस या फिर कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के. सो इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या है
इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है कैसे, यहाँ पर कि सेल से जब एक सर्किट बनाया एंड यहाँ पर एक कॉइल अरेंज किया, सो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई हो रहा है ना, तो ये कॉइल क्या है रोटेट होने लगेगी एंड उससे क्या जनरेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है. तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एंड जो डायग्राम है क्वेश्चन में भी आया है एंड उसके अलावा क्या है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका जो वर्किंग है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट चीज तो क्या आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होते क्या है. सो जब मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी एक चीज मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिकल कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मूव करता है ना, तो उसके थ्रू क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट में वेरिएशंस आते हैं, दैट मीन्स कि चेंजेस आते हैं. सो उस चेंजेस आने की वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है एंड वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है वही क्या होता है इंड्यूस्ड करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके थ्रू जो इफेक्ट हो रहा है ना वो हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर. एंड यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट दिया हुआ है कि अगर आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा एंड अगर आप मैग्नेट को किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब भी डिफ्लेक्शन होगा. बट अगर आप मैग्नेट को एंड कॉयल दोनों को ही स्टैटिक रख देते हो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन नहीं होगा एंड दैट शोज कि इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉयल देन देयर विल बी नो करेंट डेवलप्ड एंड एज देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. एंड इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिनन पर बेस्ड होता है क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में जब इस कॉइल को रोटेट होती है ना तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है एंड वो कैसे आइडेंटिफाई होता है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. एंड यहाँ पर क्या है ना ये जो यहाँ पर गिवन इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसमें करंट का डायरेक्शन हर एक इंटरवल के टाइम पे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ब्रशेज लगे हुए हैं ना तो फर्स्ट इट इज मूविंग इन ए बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन ए बी इस कॉइल जो है उसमें सी डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड सेम सी डी के साथ हो रहा है. फर्स्ट केस में ये क्या है डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड सेकेंड केस में सी डी में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है सो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है एंड जो डायरेक्ट करंट है ना उसमें यूनी डायरेक्शनल करंट का फ्लो होता है. दैट इज वाई अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं. देन आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में लाइव वायर, फ्यूज वायर एंड उसके बाद न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर, जो डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो तो हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है. उसके अलावा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनमें शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग से क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इस टॉपिक में इंक्लूड होती हैं. सो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो एंड होता है. इसके बाद आता है क्या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ना यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज भी इंक्लूड होंगी. सो राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन द कंडक्टर इज पास्ड थ्रू द व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द सर्कुलर कॉइल. सो जब एक सर्कुलर कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होती है. इसको एक एक्टिविटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. यहाँ पर एक्टिविटी को जब आप एक्सप्लेन करना है तो क्या क्या आएगा, अपैरेटस रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, देन उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, ये सारा कुछ इंक्लूड करना है. देन राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलेनोइड, हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव, गिव इट्स मेन यूज. तो सोलेनोइड क्या होता है, अगर करंट कैरिंग सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करता है, सो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड का यूजेस कहाँ कहाँ पर है, क्लियर हुआ ये. देन थर्ड वन इज फॉर द करंट कैरिंग सोलेनोइड, आपको एक करंट कैरिंग सोलेनोइड ड्रॉ करना है, उसमें ना क्या होगा थ्री पॉइंट्स रहेंगे, इसके अराउंड सर्कुलर रहेगा, ठीक है. थ्री पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ए बी एंड, ये जो पॉइंट्स है ना ये आप केयरफुली ड्रॉ करना. इसमें करंट यहाँ से एंटर हो रहा है एंड यहाँ से एग्जिट हो रहा है. फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इट इज एंटरिंग एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड इट इज एग्जिटिंग एंड पॉइंट ए बी सी डी जो है
ये रहे. सो क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिविंग रीजन एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच इट इज मिनिमम. सो फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम एंड मिनिमम कहाँ हो जाएगी? मिनिमम तो होगी पॉइंट बी पे, दैट मीन्स की आउटसाइड, एंड मैक्सिमम कहाँ होगी? पॉइंट ए पे, क्योंकि इनसाइड में जो डेंसिटी है फील्ड लाइन्स की वो सबसे ज़्यादा होती है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है वो क्या है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बताना है, देन दो स्टेटमेंट जो इनको जस्टिफाई करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड कर्व बनाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन स्टेट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख सकते हो स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना तो आप इजीली लिख सकते हो, बट अगर इसको और में हम लिख दें कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि इसके लिए कौन सा रूल हमें लिखना है. सो आंसर में लिखना आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही है. जहाँ पर भी ये क्वेश्चन और होना हो तो उसके और में ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई एंड व्हेन डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स. तो कब और कैसे या फिर क्यों जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है. सो इसके लिए फैक्टर्स जिस पे कि फोर्स डिपेंड करता है ना वो भी बताना है. फोर्स किस पे डिपेंड करता है? जनरली करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज मीन बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट. अब हम आते हैं अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक पे ना. सो अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या मतलब होता है एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू इन इंडिया. देन उसके बाद वाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट कंसिडर टू बी एडवांटेजेस ओवर द डायरेक्ट करंट फॉर अ लॉन्गर रेंज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये यहाँ पर हमें पूरा का पूरा आंसर जो है आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेगा जो अल्टरनेटिंग करंट का था ना यहाँ पे. एंड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन स्टेट डिफरेंसेज बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर में अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर तो आ ही जाता है. डिस्क्राइब द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर. देन नेक्स्ट वन इज स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन लीड टू शॉर्ट सर्किट. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने चैप्टर में ही इंक्लूडेड है ये इंपॉर्टेंट है. स्टेट द रूल क्वेश्चन नंबर 15. ये अर्लियर ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन 15 इज इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद राइट वन मोर क्वेश्चन ओनली. डिजाइन एन एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टू नेल्स वेरी थिन एल्यूमिनियम स्ट्रिप एंड अ 12 वोल्ट बैटरी एंड अ की टूल स्ट्रेट. इसके आगे ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है. केबल ऑफ माइक्रोवेव अवन हैज 3 वायर्स इनसाइड इट विच हैव इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लैक ग्रीन एंड रेड. सो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 कलर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ब्लैक वन. सो ये दोनों जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक एक्टिविटी डिजाइन करना है एंड जो माइक्रोवेव की केबल्स होते हैं उसमें वायर जो है ना उसमें ग्रीन ब्लैक एंड रेड तीनों इंसुलेशन वाले वायर्स प्रेजेंट होते हैं. सो तीनों कलर का जो सिग्निफिकेंस है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ब्लैक एंड रेड वन के बीच में उसके बारे में बताना है. सो क्लियर हुआ? अच्छा राइट वन मोर क्वेश्चन. डिस्क्राइब द टू मेजर डिफरेंसेज और द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर का अभी क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लियर हुआ? इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस और जो हमने चैप्टर में थ्रू आउट पढ़े हैं ना उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं. सो आप जब चैप्टर को प्रॉपरली रीड करोगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन जब सुनोगे ना वो आप अपने आप अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे. तो इस चैप्टर को आप प्रॉपरली जब पढ़ो एंड क्वेश्चन आंसर जितने भी हमने इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं उनको करो. कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज एंटर कर सकते हैं. ठीक है? सो जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था हम इस चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन बाय लाइन रीडिंग सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे. इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन समरी एंड जो एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करेंगे. सो वैसा ही हमने चैप्टर को एंड किया. स्टडी प्रॉपरली वर्क हार्ड एंड इफ एनी प्रॉब्लम फेस करो आप. सो क्या है उसको कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज एंटर नहीं करोगे सो मैं उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाऊंगी. सो जब भी प्रॉब्लम हो सो उनको आप कमेंट सेक्शन में एंटर करना है एंड इस चैप्टर को प्रॉपरली रीड करके एंड करना है. क्लियर है? थैंक यू.